लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। नमस्ते, मुझे देखने आए सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं कौन हूँ यही सोच रहे हैं ना? मैं अश्वपति महाराजा की बहू हूँ, सत्यवान की अर्धांगनी हूँ। मेरा नाम सावित्री है। वो यमा धर्मा राजा बहुत अधर्मी राजा है। वो महान है? नहीं नहीं, निर्दोष लोगों की जान लेने वाला एक दुष्ट इंसान है। नई नई शादी हुई है मेरी, और मेरी मेहंदी सूखने से पहले ही उसने मेरे पति की जान ले ली। ये न्याय है क्या? ये धर्म है क्या? ये बहुत बड़ा अन्याय है। आइए सर, आइए। सर यही है वो। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सर मैंने ही फोन करके बुलाया था। जाओ यहाँ से। आई एम पंचभूत। व्हाट? डॉक्टर पंचभूत, द ग्रेट साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मतलब मानसिक चिकित्सक। ये क्या होता है? वो मानसिक रोगियों का इलाज करने वाला डॉक्टर। पागलों का डॉक्टर कहो ना। करेक्ट, मेरा भी वही कहना है। वैसे आप कौन है? आई एम इज ग्रेट जूनियर। पागल कहो। ए, तुम जरा चुप रहो। डॉक्टर, ये आपकी पेशेंट है क्या? तो कुछ कीजिए ताकि ये नीचे आ जाए। इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अगर पास गए तो काट सकती है, चाहो तो यहीं से ट्राई करता हूँ। रुको एक मिनट। सुनो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। कौन हूँ जरा बताओ? यू आर अ लूजर। उसे नीचे लाने के सिर्फ दो रास्ते। हाँ तो जल्दी बताइए। पहला या तो नीचे है, दूसरा या तो वहाँ से कूद जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ कैलाश। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। टीवी में आपका प्रोग्राम मैं हमेशा देखता हूँ डॉक्टर साहब। अरे वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू सर। टीवी में आपका प्रोग्राम हमेशा हम लोग देखते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आई एम डॉक्टर कैलाश, साइकियाट्रिस्ट। थोड़ा पास आओ, नजदीक से फॉलो करो। वैसे प्रॉब्लम क्या है? वैसे कुछ खास नहीं कैलाश। आप ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वो कितने बड़े डॉक्टर, आपको पता है? आप बुलाया तो इसमें गलत क्या है? ये मेरा जूनियर है, आजकल टीवी में बहुत देखता है, इसने थोड़ा पॉपुलर हो गया है और थोड़े पैसे कमा लिए इसने, और क्या। डॉक्टर यहाँ इन बातों से क्या फायदा सर? yes. प्लीज, उनकी जान को खतरा है, एज अ डॉक्टर मैं ट्राई कर सकता हूँ। तुम मत करो, ये मेरा केस है। आपने कहा ना आपसे नहीं होगा। सर वो हमारा पेशेंट है। सर मुझे एक फायर सर्विस क्रेन चाहिए। आपको हिंदी तो आती है ना? डॉक्टर साहब मैंने बहुत सारे हिंदी नाटक किए। ओके ओके, ऊपर मत आइए, अगर आप ऊपर आएंगे मैं और ऊपर चली जाऊंगी। मैंने प्रतिज्ञा ली है, देख लेना। साध्वी शिरोमणि प्रतिज्ञा नहीं लेते। सती सावित्री नाटक किया। अच्छा, सती सावित्री, तूफान उठा दूंगा सर। कह रहा था बहु रानी नाटक किया है, अब तूफान उठा रहा है। ऊपर मत आना वरना मैं कूद जाऊंगी। जल्दबाजी मत करो सावित्री। क्या कहा? सावी सावी सावित्री। सावित्री, मैं सावित्री हूँ, ये आपने मान लिया क्या? सिर्फ मैंने ही नहीं, राज्य की सारी प्रजा ने मान लिया है कि आप सावित्री ही हो। अरे आपकी कहानी पर तो दो दो बार फिल्म भी बन चुकी है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। हम हैं धर्मा राजा। मेरे पति को बेरहमी से मारने वाले राजा तुम ही हो ना?
मैंने कुछ नहीं किया। गौर से देखो, तुम्हारा पति तो यहाँ है। ये? हाँ हाँ बिल्कुल यही है, यही है तुम्हारा पति सत्यवान। सत्यवान संपूर्ण रामायण के जामवन की तरह ना? यकीन नहीं हो रहा है तो मुझे देखो, तुमने जो तावीज दी थी वो मैं पहन कर आया हूँ। तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, तुझसे मैंने क्या कहा था, अब सती सावित्री नाटक वाला गाना गा। मेरे जीवन की तुम ही हो संगिनी। रहने दो, मैं ही गाती हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धारा की धूल हूँ। करेक्ट पकड़ी हो। गगन की चंद्रमा पास आओ। जब तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धारा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो। तुम चंद्रमा हो, मैं धारा की धूल हूँ। ओ यमा धर्मा राजा, आप बहुत अच्छे हैं, आप जीते रहे, हमारा धर्म जीता रहे, सालों साल जीता रहे, जीते रहो जीते रहो। थैंक यू। इनका पब्लिसिटी क्रेज देखा आपने? सर आप कितने निडर हैं, डॉक्टर पंचभूतम ने तो कह दिया था कि ये उनसे नहीं हो पाएगा। डॉक्टर आपके बारे में कुछ बोल रहा है। हाँ देख रहा हूँ, अपने पेशेंट के बारे में उन्हें ठीक से पता नहीं है। सत्यानाश। कहते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। पेशेंट को ठीक करने के लिए एक मनोचिकित्सक को पेशेंट बन जाना पड़ता है। That's a principal of a psychiatrist doctor. मतलब डॉक्टर पंचभूतम जी को ये सब नहीं पता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा उम्र हो जाने के कारण उन्हें लगा होगा कि ऐसे रिस्क लेके ऊपर जाके अगर नीचे गिर गए तो पैर क्यों तोड़वाए। कुछ भी हो सारा सच पता कर लिए, वेरी इंटेलिजेंट। वो कितना इंटेलिजेंट है मुझे पता है। तू जा पेशेंट को अंदर भेज, जा। होंगे तो भेजूंगा ना, घर में बैठ के आप राम का नाम लिखिए। बहुत गलत है। ये थोड़े से पेशेंट है मेरे पास, उनसे मैं किसी तरह अपना पेट भर रहा हूँ। मेरे पेट पर लात मारी है उसने, बहुत गलत। यार बाप रे, डॉक्टर्स एसोसिएशन मैं संभालता था, मुझे वहाँ से हटाकर खुद बन गया वो। प्रेसिडेंट बनकर बैठा है वो। कौन है वो आखिर? जूनियर ही है मेरा वो। क्या है आखिर उसके पास? यहाँ देखो। भयानक लग रहे हो सर। ये सफेद बाल देख, इसमें क्या है? एक्सपीरियंस। सफेद बालों में एक्सपीरियंस उसके पास है क्या? बेवकूफ, मूर्ख, कमीना, लालची, कमबख्त। बहुत गलत बोल रहे हो सर। मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, मेरे पेट पर लात मारी है उसने, अब सीधा एक्शन होगा। आप भी लात मारेंगे क्या? उसे सबक सिखाऊंगा। कैलाश, अब से तुम्हें होगा सिर्फ लॉस। कैसे? उस कैलाश को एक पेशेंट के जरिए मात दूंगा। कौन सा पेशेंट? तेनाली। हंसले। पागलों के डॉक्टर। क्या? सॉरी डॉक्टर। सॉरी क्यों? मैं पागलों का ही डॉक्टर हूँ। बोलो, बात बोलो, वो बोलो। नहीं है, शत्रु को सबक सिखाने के लिए ताकतवर को भेजना चाहिए, आप डरपोक को क्यों भेज रहे हैं? तेनाली डरपोक जरूर है, मगर उसका डर बहुत ही खतरनाक है। आपने जैसा कहा था उस डॉक्टर कैलाश के लिए, वो स्कूल वाला ही करेक्ट है। स्कूल वाला वो कौन है? उसी ने स्कूल घुसाया ना, इसलिए स्कूल वाला। स्कूल घुसाया तो स्कूल वाला हो गया क्या? उसका नाम तेनाली है। मेरी बात ध्यान से सुन कैलाश, मैं तुझे तेनाली से मात दिलवाऊंगा। मिस्टर तेनाली सोमन। ये तुम्हारा पूरा नाम है? कह रहे थे तुम्हें हर चीज से डर लगता है। अच्छा बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? आर यू कंफर्टेबल? कम ऑन। ओके, डू यू हैव एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम? तुम किसी भी भाषा में बात करो, आई नो 5 languages। तो बताओ किस भाषा में बात करोगे? हिंदी। तो बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तो इसे हिम्मत के लिए रखते हो, अच्छा है। सब कुछ शिव की माया है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। मेरे लिए सब डर की माया है। समय आने पर, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है ऐसा कहते हैं। वो समय आने तक मैं अपाइज हो जाऊं इसका डर है। कविता का डर है, कहानी का डर है, भीम की कहानी का डर है, राम की कहानी का डर है। जहाँ डर नहीं होना चाहिए वहाँ डर है। दरवाजे का डर है, खुले हुए दरवाजे का डर, बंद दरवाजे का डर, पूरे बंद दरवाजे का डर, थोड़े से खुले हुए दरवाजे का भी डर लगता है। खिड़की खुली देखो तो भी डर लगता है। छांव का डर, दीवार का डर, घोंसले का डर, पेड़ का डर। गेंद देखो तो भी डर है, छोटी गेंद देखने पे भी डर लगता है जी। उसके साथ साथ बड़ी देखो तो भी डर लगता है। लोमड़ी, कुत्ता, शेर, बिल्ली, इन सब का भी डर है। बड़े बड़े पेड़ और उनके नीचे बनाए हुए बिल का भी डर है। बिल के अंदर का सांप दिन दहाड़े काट डाले उसका
उसका भी डर है। शुक्रिया। एकांत मिला तो भी डर और नहीं मिला तो भी डर है। पानी का डर है, मछली का भी डर है, चूहे का डर है, चिपकली का डर है, धूल का डर है, राख का भी डर है, रात का डर है, दोपहर का डर है, सुबह का डर है, ऊंचाई का डर है, साथ में इंग्लिश का भी डर है जी। ज़ेनोफोबिया, एरोफोबिया, ज़ूफोबिया, एपियोफोबिया, ओरिएंटियोफोबिया, हेमोफोबिया, ज़ेफिरोफोबिया, टेपोफोबिया, साइक्रोफोबिया, ग्लासोफोबिया, ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं इंग्लिश में, ऐसा कहते हैं जी। सारे फोबिया तेरे अंदर है और ऊपर वाले के अलावा तुझे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर पंचभूतम ने यह कह के मंदिर जाने को कहा। वहां जाके दीप का डर, धूप का डर, तीर्थ का डर, प्रसाद का डर, मंत्र का डर, तंत्र का डर, ऊपर बजने वाले घंटे का भी डर है जी। मारने वालों से गाली खाने का डर और गाली खाने वालों से मारने का डर, गड्ढे का डर, नाव का डर, अंधेरे का डर, रोशनी का डर, कुछ नया देख लिया उसका डर, पुरानी बात याद आ गई उसका डर, योग का डर, रोग का डर, वेद का डर, राग का डर, जाने का डर, आने का डर, जीने का डर, मरने का डर, इतने समय ऐसे चिल्लाने से गला खराब हो जाएगा उसका डर, थोड़ा पानी मिलेगा क्या जी? नहीं, यही पीऊंगा, डॉक्टर जी का झूठा भी दवाई होता है ना। तुम इस तरह बिना सांस लिए कैसे बात कर सकते हो? अंदर लो, घटक के बात करो। वो हमेशा नहीं, जब वक्त होता है तभी ऐसी बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ तो सुनने वाले को डर लगता है। क्या कहा? मतलब डॉक्टर है ना, तो आप नहीं डरेंगे। डॉक्टर मतलब भगवान के समान होता है ना। हाँ, तो तुम इतनी चीजों से डरते हो, वैसे ये डर तुम्हें कब से शुरू हुआ? वो सोचने पर ही डर लग रहा है डॉक्टर जी। अरे तुम सोच क्यों रहे हो, बिना सोचे ही बोल दो। सोचे बिना बोलूंगा तो रोना आ जाएगा। रोना नहीं, रोए बिना हंसते हुए बोलो। हंसते हुए? ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करूंगा जी। सब बचपन में मेरी इज्जत करते थे ये सोच के कि मैं हिम्मत वाला हूँ। मैं भी ऐसा ही रहता था। उसी समय की बात है, वहां पर किसी का झगड़ा हुआ, लेकिन क्या झगड़ा हुआ मेरी समझ में नहीं आया, मैं छोटा था ना, अभी भी नहीं समझा। सडनली एक दिन आकाश से जैसे भयंकर बारिश होती वैसे घर में बम गिरे। उन बम को देख के ऐसा लगा कि आतंकवादी आ गए हैं, आतंकवादी आ गए हैं, आतंकवादी आ गए। ये चिल्लाते हुए मेरे माता पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाते हुए भागने लगे। उसी वक्त एक बम आकर मेरे पिताजी के पैर पर गिर गया, उनका पैर टूट गया, हर तरफ खून ही खून। मां जोर से रोने लगी और अपने पल्लू से पिताजी के पैर को बांध दिया। आगे बढ़ो। उसी समय मुंह को ढके हुए हाथों में बंदूक लिए चार पांच लोग वहां पर आ गए। गांव के सारे लोग कहा करते थे कि मेरी माँ बहुत सुंदर है, वाकई बहुत सुंदर है। और उसी वक्त वही लोग जिन्होंने अपने सर पे कपड़े बांध रखे थे, उन लोगों ने मेरे पिताजी को गोली मार दी जो उनके पैर पकड़ कर रो रहे थे, और इसके बाद माँ को जबरदस्ती खींच कर एक तरफ ले गए। और मैं उस वक्त छोटा बच्चा था, इसलिए मेरे हाथ में जो एक छोटा सा पत्थर आया उसी को उठाकर एक पर फेंक दिया। उनमें से एक ने मेरे बाल खींचकर मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। वहां पर मैं एक पत्थर पे गिरा और फिर मैंने अपना होश खो दिया। जब आंख खुली तो देखा कि मेरी माँ एक कोने में पागलों की तरह बैठी हुई है और वहीं दूसरे कोने में मेरे पिता मरे हुए पड़े हैं। मैं उन्हें पुकारते हुए रोने लगा, मुझे जोर से रोना आ गया। मेरा रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तू रो मत बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है, ऐसा माँ ने कहा मुझे। उसने कहा कि देख बेटा मेरी तरफ देख, हमेशा हिम्मत से काम लेना और आज के बाद जिंदगी में कभी भी डरना मत। जब भी उसे याद करता हूँ डर लगता है डॉक्टर। बिना रोए मैं सब कुछ आपको हंसते हुए कहूँ ऐसा आपने कहा, लेकिन फिर भी मैं रोया, सॉरी। उसके बाद एक हादसे में माँ भी मर गई थी। कूल डाउन। उन बातों को भूलने की कोशिश करो। तो मिस्टर तेनाली, उसी घटना के बाद से तुम्हारे अंदर ये डर पैदा हो गया है, मैं राइट? कैसे पता किया डॉक्टर? मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मेरे सर पे जो पत्थर लगा उसके कारण मैं पागल हो गया, ऐसा सभी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं पागल हो गया, लेकिन चोट सर पर नहीं दिल पर लगी। यस, यू आर राइट। तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तो बस नहीं, दिल का प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। मेरा डर जाने के लिए मुझे आप दवाइयां देंगे डॉक्टर? इसके लिए दवाइयां क्यों? प्रैक्टिकल, आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, ओके? दवाइयों की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। पर डॉक्टर पंचभूतम ने जो दवाइयां लिख दी है, डॉक्टर पंचभूतम ने जो दवाइयां लिख के दी है वो इस बक्से में है क्या? निकालो, जस्ट टेक इट आउट।
निकालो। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। व्हाट? कुछ नहीं जी, ऐसे ही। ये क्या है? माँ के मरने के बाद जब उनकी याद आती है तो उनकी साड़ी को गले लगा के सोता हूँ। ओके, वो निकालो, सब इसमें डालो। आज से मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर। डॉक्टर पंचभूतम का चैप्टर आज से क्लोज। डॉक्टर मिस्टर तेनाली, इतनी छोटी बात के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं। बक्सा 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 में और भी कुछ है क्या? तुम्हारे पिताजी की धोती? उंगली उंगली। पिताजी की उंगली? मेरे हाथों की उंगली। तुम्हारे हाथों की उंगली? अरे सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रीटमेंट शुरू करेंगे ऐसा कहा, लेकिन कब करेंगे ये बताइए। हम मई 28 से शुरू करेंगे। 26 से मतलब परसों से करेंगे? नो, ये अप्रैल है, 26 अप्रैल। मैंने कहा मई 28 में, मतलब एक महीना। अरे बाप रे, तब तक मेरी हालत अभी जैसी है वैसी ही रहेगी। सॉरी, लगता है कुछ गिर गया। इट्स ऑल राइट। मिस्टर तेनाली, अपनी फैमिली के साथ 1 month वेकेशन के लिए कोडाईकनाल जा रहा हूँ। 27 को मैं आ जाऊंगा और 28 से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू। ओके? अरे डॉक्टर को, एम्बुलेंस को, पुलिस को, इनको कभी भी छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए सर। मिस्टर तेनाली, डॉक्टर की भी एक पर्सनल लाइफ होती है ना, आई मीन उनकी भी फैमिली होती है, घर में एक बीवी, दो बच्चे, उन लोगों के साथ भी मुझे थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए ना। हाँ, लेकिन मेरा क्या होगा डॉक्टर? टाइपर से हाथ हटाओ। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मेरे पास आओगे, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? डॉक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मेरी हालत का जिंदगी भर अगर मैं तुम्हारे जैसे पेशेंट को देखूंगा तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो? कि मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर ना जाऊं और तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू करूं, बस इतना ही ना? ठीक है, यह है कोडाईकनाल जाने के लिए मदुरई तक की फ्लाइट टिकट। पंचभूत की दवाई के साथ इसे भी डस्टबिन में डाल दूं क्या? डाल देता हूं, उसे लाओ। इसे भी तुम ही डाल दो। ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। Careful, careful! अरे अरे, फट रहा है। फट गया। ओके ओके, अब तुम जाओ जाओ जाओ। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। मैं चलता हूँ जी। जाओ जाओ। ये फोन भी आ रहा है। आ नहीं रहा, जा रहा है। छोड़ो। ए, ए, अरे अरे छोड़ो छोड़ो। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर कैलाश यहीं पर है। मैं उनका पेशेंट बोल रहा हूँ जी। हेलो, मैं यहाँ पर पेशेंट हूँ, मतलब कि पेशेंट को देख रहा हूँ। अब आप बाद में आ जाइए। ओके, अदरवाइज यू कैन वेट। अब ओके ओके ओके, तुम जाओ। अब जाओ। हाँ हाँ, जाओ। आओ नहीं, जाओ। लिसी, धीरे नहीं बोल सकती क्या? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? सर, उसने सुई लगा दी। तुम्हें भी लगा दी? कहाँ पे? यहाँ पे। अबे अच्छी, तुम टेलीफोन शेप लेकर आओ। आई मीन सेलो टेप लेकर आओ। तेनाली मतलब तेनाली, ग्रेट। काम के समय वो मशहूर डॉक्टर कैलाश क्लिनिक पर ताला मारकर भाग गया। वैसे वैसे वो गया कहाँ है? फैमिली के साथ शेर छोड़ के गया। सर छोड़कर, सर छोड़कर गया। अब सभी लोग पागल हो जाए। क्या है मेरे सामने? पागल कह के मत बुलाओ, ऐसा ये कह रहे हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम मुंह बंद करो। अब शहर के सारे पागल मेरे पास आने वाले हैं। पंचभूत, ग्रेट। वैसे डॉक्टर वैकेंट करके चला गया क्या? डॉक्टर वैकेंट करके नहीं गए, वैकेशन पर गए हैं। वैकेशन? हाँ, वापस आने में 1 महीना लगेगा, तब तक मेरी हालत क्या होगी? चुप रहो डॉक्टर, आपकी हालत क्या होगी? तुम चुप रहो। तुम क्या कह रहे थे? आपने जो दवाइयों की चिट्ठी लिख कर दी थी वो वापस लिख दीजिए। उस डॉक्टर ने सारी दवाइयां कचरे में फेंकवा दी। बेचारा डॉक्टर, लिख दीजिए ना, वो कौन सी दवाइयां? मुझे याद नहीं, मैंने तो बस फ्लो में लिख दिया था।
देखो तेनाली, मैंने तुम्हें गोद दिया है, अब तुम्हें वापस लेना मुमकिन है क्या? आज से डॉक्टर कैलाश ही तुम्हारा डॉक्टर होगा, ठीक है? लेकिन वो वैकेशन पर गए हैं ना? हम उस कैलाश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये वहां भी बोल सकते चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए। आप भी वैकेशन पर जाएंगे? मैं कैलाश को नहीं छोड़ सकता। क्या करने जा रहे हैं? छोड़ने जा रहा हूं। अरे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे सही बताइए। तेनाली को उस डॉक्टर के पास छोड़ूंगा, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, वापस आओ। वैसे वो डॉक्टर कहाँ गया है? वो कोडाईकनल। आप मेरे लिए वहाँ पर क्या आ रहे हैं जी? हम वहाँ आ रहे हैं, ये बात तुम्हें कैसे पता? आप दोनों वहाँ जाके रहस्यमयी बात कर रहे थे ना? यहाँ पर भी कर सकते थे ना? आप जो करना चाहते कीजिए, पर चाहते कुछ नहीं है, सब तकलीफ ही है। क्या क्या रही है? इसे भी कोडाईकनल जाना है ऐसा कह रहा है। इधर आओ, कोडाईकनल जाना है। पर मेरा क्या होगा फिर? अब से तेनाली हमारा कोडाईकनल है। आप अभी जो देख रहे हैं कोडाईकनल के ऊंचे पहाड़ हैं और गहरी घाटियां हैं। मिल गया। कौन? डॉक्टर कैलाश, मिल गया। हे भगवान, उसके बाद फिर? उसके बाद टोपी पहने हुए जोकर, हाँ, डॉक्टर की बीवी कुछ तो खा रही है, लगता है टेस्टी है। उसके बाद डॉक्टर की बेटी बॉल से खेल रही है। उस तरफ डॉक्टर का बेटा पत्थर उठाया और गुलाटी पे लगाया, चारों तरफ देख के निशाना लगा रहा है। किस पे? मारने जा रहा है और मार दिया। डॉक्टर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दाएं बाएं कुछ नहीं दिख रहा है। पागल कहीं का, मेरे 10,000 के बैनाकुलर को बोल रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। तेनाली वो डॉक्टर कैलाश के पास गया है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ट्रीटमेंट तेनाली का नहीं डॉक्टर कैलाश का। यस बॉस। भाई मैं कोई स्मगलर हूँ क्या? साइकेट्रिस्ट हूँ, डिसेंटली बात कर। सॉरी, फॉलो मी। ओके डॉक्टर। और मुझे ही फॉलो करवा रहा है। मेरी बात सुनो, इसे टोपी लौटाने वाला घाट क्यों कहते हैं पता है? बोलिए गाइड। फाइन, थैंक यू। अगर हमने इस टोपी को फेंका तो ये घाट उसे फिर से लौटा देगा, देखना है क्या? देखते हैं। ओके, वाओ। टोपी तो दिख ही नहीं रही। आपने कहा था टोपी लौट के आएगी। हाँ, वैसे तो टोपी लौट के आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टोपी उठ नहीं रही है। डॉक्टर, 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 डैडी टोपी आ रही है। डॉक्टर, तुम्हें डर नहीं लग रहा? डॉक्टर आपको देखते ही मेरा सारा डर चला गया। पहले ऊपर आओ। विद्या नारायण हरी, कहा था ना आपने, डॉक्टर आपकी टोपी। तुम तेनाली? तेनाली, सोमन। हाँ सोमन, अब हा? तुम यहाँ क्यों आ गए? आपसे मिलने के लिए आया हूँ जी। मुझसे मिलने के लिए? हाँ जी। नो 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 नो, मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर तेनाली कि मैं अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे जा रहा हूँ, फिर तुम यहाँ पे क्यों आए? नो, तुम चेन्नई जाओ, गो प्लीज। ये सब पता है जी। कैसे पता है? आपके घर के इंटर्न। व्हाट? वाइफ? हाँ वाइफ। आई एम अर्जुन। अथिली उनसे मिल गया। अथिली नहीं, तेनाली। बहुत अच्छा निशाना लगाया। कम कम गोद यार। कम ऑन आई से। आपने अपना नाम नहीं बताया, ये सब की क्या जरूरत? जलजा। भाभी का नाम जलजा है। भाभी? अरे और कौन, आपकी बीवी। मैं तुम्हारा भैया हूँ। हाँ बिल्कुल। नो नो, आई एम अ डॉक्टर एंड यू आर अ पेशेंट। ओके, पेशेंट कह रहे हैं पर देखने में तो ये पागल नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। ठीक है, नहीं करती। ए, बात वो नहीं है। एक मनोचिकित्सक के पास आने वाले सब पागल नहीं होते, जिनकी मति मारी जाती है, डिप्रेशन के कारण जिन्हें नींद नहीं आती, और इसके जैसा डरपोक भी आते हैं बस। ओ, ऐसी बात है। सर आपको किस चीज से डर लगता है? सब कुछ शिव की माया है ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ डर की माया है। अब, समय आने पर सब ठीक हो जाता है। बस बेचारे को बोल दीजिए। तुम्हें बोटिंग के लिए कब जाने को कहा था? 3 बजे। और जानती हो ये तब तक बोलता ही रहेगा। हाँ, हाँ हाँ, बोलने से कुछ भी नहीं होगा, मन में अगर भगवान को याद करेंगे तो सब डर चला जाएगा। मन में ही नहीं, पॉकेट में भी भगवान ही है। गलती से रख दिया, मेरे डर के लिए नहीं है ये, अगर पूरा पहाड़ भी रख लिया तो भी काफी नहीं है। चलो चलो, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं इन्हें छोड़ के आता हूँ। 1 सेकंड, इसमें खाना है ना? ओके, तुम्हें चेन्नई जाना है तो तुम रास्ते में इसे खा सकते हो। अंकल, क्या हुआ? पापा को अंकल कह के क्यों पुकार रहे हो? मैंने आपको बुलाया था। मुझे? थैंक यू। मेरे डैडी की टोपी दे दीजिए। सॉरी। हाउ इज दैट? वाओ, ये है ओरिजिनल टोपी लौटाने वाले। चलो।
लगता है हमारे पास आ रहा है। बाइनोकुलर में ऐसे ही दिखता है। अरे कैलाश है तो हम पकड़े जाएंगे। अरे वहाँ क्या? आपके घर के सारे सदस्य अच्छे हैं। इतनी जल्दी उन्हें जान गए? अभी तो तुम उनसे मिले हो। हाँ, उनकी शक्ल देख के बता सकते हैं जी। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई। अरे डॉक्टर। क्या डॉक्टर? वाह 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 वाह। आ जाओ। मैंने नहीं बोला जी। तो फिर आकाशवाणी थी? वैसे तुम तो हर चीज से डरते हो ना, तो फिर तुम यहाँ अकेले कैसे आ गए? मैं अकेले थोड़ी आया हूँ जी, वो पंचभूत और उसके साथ वाला भूत दोनों मिलकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अरे क्या कहा, पंचभूत? हाँ जी। क्या बक रहे हो? ओ मैं पागल की तरह बात कर रहा हूँ, आप ऐसा सोच रहे हैं ना? चेन्नई में रहने वाले पंचभूत यहाँ कैसे? साथ आइए, मैं बताता हूँ। चलिए उस पेड़ के पास। कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ कहाँ पे, दिखाओ मुझे। अरे कहाँ चले गए, यही तो थे, इतनी जल्दी गायब हो गए क्या? देखो मिस्टर तेनाली, ये सब तुम्हारा भ्रम है। डॉक्टर पंचभूत तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आएंगे? उनके पास और कोई काम नहीं? हाँ, मुझे आपके पास पहुँचाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। ओके जस्ट वन सेकंड मैन, पंचभूत जी को कॉल करता हूँ चेन्नई के नंबर पे। हाँ, उनसे बात कर लेना। हेलो हेलो बैकलाइन, हेलो, I am Dr. Kailash calling from Kodaikanal. Can I speak to Dr. Panchbhoot, please? Dr. Panchbhoot speaking. आप कौन? बात तो वही कर रहे हैं, पर ठीक से बात नहीं कर पा रहे। लगता है उन्होंने पी रखी है। ओके, वो यहाँ पर नहीं है। चलो। वहाँ पे है क्या? हाँ, वो जहाँ पर है, मैं तुम्हें वहीं भेजता हूँ। आओ। हेलो। रुको, रुको, एक पैसेंजर है। रुको। खाना इसमें है, खा लेना। कंडक्टर, इन्हें मदुरई बस स्टॉप पर उतार देना। क्यों, वो खुद नहीं उतर सकता क्या? अरे भाई ये थोड़ा डरपोक है, इसीलिए कह रहा हूँ, हो सके तो इन्हें चेन्नई के बस में भी चढ़ा देना। क्यों, वो खुद नहीं चढ़ सकता क्या? तेनाली, ये तुमसे भी एक सीढ़ी ऊपर है। आप सर, मेरे नसीब में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम चढ़ो जाओ। विसल करने के लिए मैं हूँ, तुम क्यों कर रहे हो? थैंक्स जी। मुझे क्यों थैंक्स? मैंने इनसे कहा जी, जाओ। ये क्या डॉक्टर, पांचाली को एक ही दिन में बस में चढ़ा के भिजवा दिया? अरे पांचाली नहीं, तेरा। अरे हम पानी में घी लेना इसलिए निकल गया। सुबह सुबह मार दिया क्या? बेटर समझ में नहीं आएगा डॉक्टर, बस चली गई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जीप से जाकर उस बस को रोकूंगा, तेनाली को वापस लेकर उस डॉक्टर कैलाश के पास जाकर छोड़ दूंगा। हाँ, जीप तक जाने से पहले ही बस मदुरई तक चली जाएगी। बस चली जाएगी, मुझे टेढ़ा रास्ता पता है सर, वही पता है। गाइड 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 कोडाइकनाल में पूरा दिखाऊंगा गाइड सर, हम गाइड खन्ना स्वामी सर, यहाँ कोडाइकनाल में देखने के लिए इतना कुछ है, उसे छोड़ के आप यहाँ तालाब में क्या कर रहे हैं? मेरी अंगूठी अंदर गिर गई थी, उसे ही मैं ढूंढ रहा था अंदर। है तो सही। नहीं नहीं, ये नहीं, वो दूसरी अंगूठी जो थोड़ी लूज है। अरे सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी अंगूठी ढूंढने। पागल हो गया है क्या? ढूंढा तो नहीं मिली, तेनाली हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जल्दी चलो, उसे पकड़ना है। चलो चलते हैं। मेरा नाम खन्ना स्वामी सर। सॉरी खन्ना स्वामी, तू चुप कर, चल चल जल्दी चल। अरे तेनाली, अंगूठी 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 अंगूठी। क्यों भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? देखो ना कितनी गहरी खाई है। मैंने खाई बहुत देखी है। वो ड्राइवर को बोलिए ना थोड़ा धीमे चले। आप इससे धीरे चलेंगे तो चल के जा सकते हैं। फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा उनको बोलिए ना। ये सिफारिश करने के लिए कोई ऑफिस है क्या? भगभग बंद करो और सो जाओ। मैं रात भर सोया हूँ। लेकिन मैं नहीं सोया ना। क्यों, कोई बीमारी है क्या आपको? तुझे बताना जरूरी है, सो जा चुपचाप। हे भगवान। ओ, आप भी दुख में भगवान को याद करते। तुझे तकलीफ क्या है यार, मुंह बंद नहीं कर सकता क्या? आज क्यों रहा है? किसने आपकी शक्ल देख के लगा था कि आपके सर पे पूरे बाल होंगे? ये मेरी इज्जत खराब कर रहा है। बात मत कर। अरे आवाज मत करना। मैंने कहा आवाज की? ये आवाज आपने की? हाँ मैंने ही की। सुनिए, बगल में ये आदमी ना मुझसे बदतमीजी कर रहा है। ए, क्या रे? हाँ? कौन है? यही। ए, क्या रे? नहीं नहीं, शादी करके बस में जा रहा हूँ, तू मेरी बेबी को छेड़ेगा? मैंने? हाँ तू ही। मैं शादी के बाद बस पे जाते समय पप्पी दूंगा। तू देगा? तेरे साथ और कौन लोग है रे?
ओ, इतनी हिम्मत तेरी? अरे सो कंडक्टर इधर आओ। अरे अरे बैठो भाई, बैठो। ए, तुम्हें पता ना मैं कौन हूँ? बैठो तो मेरे बाप के बारे में जानते हो ना तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोफर को बस चलाने के लिए? उसे अभी जल्दी से नीचे उतारो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बैठिए। क्या भाई, क्या कहानी है? मैंने कुछ नहीं किया सर, वो यहाँ पर खुजली हो रही है। तुम्हें खुजली हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं ऐसे खुजा रहा हूँ तो। अरे तू तो मुझे ही पप्पी देने लगा। मैं नहीं दे रहा हूँ जी। हाँ। मेरा मुंह इस तरह रखने पर कोई हाँ। तो मेरी डबिंग कर रहा है। कौन? क्यों रे, सब तूने किया और मुझे फंसा रहा है। ए, इसे उतारो। चलो तो। अरे बाप रे, मर गया भाई। इसे हाँ। अपने पास ही रख, मैं इस बक्से को संभाल करके बाहर रख देता हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रोको भाई, उतरो उतरो उतरो। सुनिए सुनिए, इस बक्से को वहाँ ऊपर रखने जा रहे क्या? हाँ, पहले नीचे रखूंगा उसके बाद ऊपर रखूंगा। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। हैं हैं ऐसे। अच्छा मैं चलता हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? वापस आते समय मैं आपको लेकर के चलूंगा, ठीक है ना? अभी मुझे जाने दीजिए। चलो भाई, चलो 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 चलो। बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, मुझे पागल समझाए क्या? ये लो, ये लो। अर्जुन संभाल कर। नहीं, अच्छे से फेंको ना। पकड़ो ना। ठीक है, फेंको। ए अर्जुन, ऐश्वर्या ठंड बहुत ज्यादा है। मंकी कैप पहनने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं पहने? मंकी कैप पहना था डैडी, पर मंकी आकर ले गया। हाँ? ए, आजकल तुम भी अपने पापा की तरह बहुत बोलने लगे हो। क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ब्रेकफास्ट तैयार करो। जलाजा तुम अंदर जाओ, और तुम लोग 10 मिनट खेलने के बाद आकर ब्रेकफास्ट कर लेना। ओके? क्या पापा, वेकेशन में भी इतना स्ट्रिक्ट रहने की क्या जरूरत है? कितनी देर से मैं तुम्हें बुला रहा था। अच्छा, कितनी देर से बुला रहे थे? हाफ एन आवर से बुला रहा था। तुम बाहर क्या कर रही थी? हाँ, खाना बना रही थी। क्या बना रही थी? खेल रही थी तुम? जब पता है खेल रही थी तो पूछ क्यों रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों फेंक दिया? हाँ बिना, इसीलिए इसे नीचे फेंका था ना। बच्चे कभी भी अंदर आ सकते हैं। नौकर यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसीलिए जब भी मेरा मूड बनेगा मैं ऊपर से कुछ फेंक दूंगा, तुम लेने के लिए नीचे झुकना और मैं मुँ 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 मुँ। और अगर मेरा भी मूड करेगा तो मैं भी कुछ लेकर नीचे फेंक दूंगा। ब्रेकफास्ट रेडी। तुम इतने पास आके क्यों बोलते हो? सर आप ही ने कहा था ना कि जोर से मत बोलो, पास आके आराम से बोलो, इसीलिए ऐसा किया। अब से तुम दूर से चिल्ला के ही बोलना। ठीक है सर। अब जाओ, तुम आओ। सर ब्रेकफास्ट रेडी। आपको हो क्या क्या है? बस किए जा रहे हैं। मेरी बहन, मेरी वन एंड ओनली लवली सिस्टर आज फॉरेन से यहाँ आ रही है ना। क्या हुआ? एयरपोर्ट पे कार भिजवाना ही भूल गई। ओह डोंट वरी, मुंबई से लाने के लिए मैंने किसी को भेजा है। मुंबई से? यस। कौन? उसका होने वाला पति। जानकी के बारे में तो तुम अच्छी तरह जानती हो, शादी की बात छेड़ते ही कहती है कि जिसे मैं नहीं जानती उस इंसान से मैं शादी कैसे करूंगी, पता नहीं वो अच्छा होगा या बुरा होगा, इसीलिए मैंने ये सब कुछ सेटअप किया है। बहुत तमाशा करके बात कर रही हो मिस्टर बाबू। बाबू मेरे बिजनेस में मुझे डायमंड बाबू कह के बुलाते हैं। ये क्या है डायमंड बाबू? क्लेवर कृष्णा पेड़ राजा। हाँ, ऐसा लगता है किसी गुंडे का नाम। सर चटनी। मुझे दो। इसे दो। उसका नाम राजेश बाबू है, पता है उसे डायमंड बाबू क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ा डायमंड मर्चेंट है। अच्छा हुआ आप तेल का बिजनेस नहीं करते। क्यों बोलो? वरना आपका नाम तेल बाबू होता। छे छे, ऐसा मत कहो, 40-50 करोड़ का मालिक है वो। गांव में जो बिजनेस थे वो सब हजम करके। डायमंड बिजनेस मजाक नहीं है, बहुत पैसे मिलते हैं। पैसे होंगे तभी ऐसा स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी, मेरा बुरा भला देखने के लिए मेरे भैया हैं। इसीलिए रुई और आग को अगल बगल में बिठा के मैंने बुलाया है। वो तो ठीक है, पर रुई को आग पसंद आनी चाहिए ना? मेरा मतलब जानकी ने अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो। जानकी की तस्वीर देख के बाबू ने पहले ही ओके कर दिया है, अब तक उसने प्रपोज भी कर दिया होगा। आई लव यू। आई लव फॉर वेरी मच। बाबू टर्निंग में गाड़ी थोड़ा स्लो करो डार्ली। देखो मौसम कितना सुहाना है, तुम दोनों को छोड़ो, देखो हमारा भी मूड बन रहा है। दोनों अभी जवान हैं, पहाड़ों के बीच ठंडी ठंडी हवा, दोनों तरफ लहराते हुए पेड़, ऐसी सिचुएशन में किसी के अंदर भी प्यार की भावना जाग सकती है ना। नो शिटिंग ओनली वॉमिटिंग। डर्टी फेलो। जानू वेयर आर यू गोइंग?
जलाजा, अर्जुन, ऐश्वर्या, मेरी बहन जानकी आ गई। हेलो, हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, कैसे अच्छी हो आप? हाय जानू, कैसी हो? फाइन। ये कैसा ड्रेस है? थोड़ा लूज पहनना चाहिए था ना। मैं ड्रेस लूज ही पहनकर आई थी, पर मुझे जिसे पिक करने के लिए भेजा था ना, वो थोड़ा सा लूज था, इसीलिए लूज ड्रेस टाइट हो गया। होने वाले पति के बारे में ऐसा नहीं कहते। वैसे बाबू है कहाँ? अच्छा वो, हाँ। आइए देखिए वो रहा। अरे बाप रे, क्या हुआ सर? सॉरी बाद में बोल सकते हैं, पहले निकालो। डॉक्टर, ये आपका घर है क्या? मतलब ये आपकी बहन है क्या? आप इसे जानते हैं क्या? हाँ, ये, जानते ये हैं। मेरा टोपी लौट आई थी। या आप इसे कैसे पहचानते हैं? वो एक बड़ी कहानी है। बड़ी कहानी नहीं, छोटी सी कहानी है। डैडी, सम बैड स्मेल। सॉरी, वो मैं ही था। ए बाबू, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ दवाई खाई कि नहीं? दवाई छोड़ के बाकी सब कुछ खा लिया, इसीलिए उल्टी हो रही है। तुमसे पूछा मैंने? ओह सॉरी, दिस इज मिस्टर डायमंड बाबू, मीट माय वाइफ। हेलो। ऐसा कुछ नहीं है, वो जर्नी में बोर हो रहा था तो थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, ऊपर से चार कोल्ड ड्रिंक, उसके साथ हेयर पिन वगैरह। हेयर पिन खा लिया क्या? कोई हेयर पिन खा क्या बाबू? हेयर पिन क्यों खा लिया? वो इतने सुंदर पहाड़ में आकर्षित होकर अंदर चला गया, घूमते वक्त उल्टी हुई। फिर से तेरी कविता, ऐसी बात मत कहो। कौन सी उल्टी? क्या? अरे उसी बात के लिए मना किया। तुम तो चले गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? तुम्हें तो बस में बिठाया था। डॉक्टर, आपने मुझे बस में बिठाया था, ये सच है। बस वालों ने मुझे बीच रास्ते में उतार दिया, इसलिए मैं पैदल ही जा रहा था कि अचानक बहुत ही जोर की आवाज आई। अब पलट के देखा तो बाबू सर अब डैश कर रहे थे। डैश मतलब उल्टी? ये बात कहने के लिए मना किया था ना? इसीलिए तो मैंने डैश कहा था। आप जरा हटिए, अगर टुकड़े में कहूंगा तो डॉक्टर को कहानी समझ में नहीं आएगी। पूरा फ्लैशबैक बताता हूँ जी। ये क्या कोई फिल्म है? हाँ, फिल्म ही है सर। पुरानी फिल्मों में फ्लैशबैक दिखाने से पहले रिंग चलाना मामूली था ना। फ्लैशबैक यही है कि कहीं शेर तो नहीं आ गए, सोच के मैं डर गया था। उल्टी कर रहे हो क्या? क्यों, क्या हुआ? है मेरी कोई शादी है क्या जो सबको बताता चलूं? उल्टी करते करते सर दुखने लगेगा, तो मैं सर को पकड़ लूं क्या? ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कोई सर को पकड़ के दबा रहा है यार। हाँ, किसी ने नहीं पकड़ा, ये आपका भ्रम है। आगे से जब भी खाना खाओ अच्छे से चबा के खाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने क्या क्या खाया है लिस्ट बना के अभी बता सकता हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक नींबू देता हूँ, उसे चूस लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। दे दो। ये लीजिए।
ए, ये तो हमारी बैंड बजा रहा है। मार्शल आर्ट भी है भाई, बी केयरफुल, सब कुछ पीट देगा। मारा, 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 कटा, कटा। अरे यार, मार, मार कह रहा है, देखना। क्यों भाई, एक लड़की को बेवजह क्यों छेड़ते हो? तेरी तो थैंक यू सर, आप मेरे घर आइए, भैया बहुत खुश होंगे। यही हुआ था। वहाँ पे रखे उल्टिया में जैसा लग रहा है। भैया मैंने इतना बहादुर आदमी आज तक पहले कभी नहीं देखा। 10-10 लोगों को एक साथ में मारा था, आपको देखना चाहिए था। यू ये तेनाली बिल्कुल भी नहीं है, ये तो ब्रूस ली है। ब्रूस ली नहीं, प्रैक्टिकली। वो क्या है? आप ही ने कहा था ना कि चेन्नई में प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, इसीलिए मेरे बक्से में आपने चूहे को रख क्या दिया। कहा? बक्से में चूहे को मैंने रखा? अब नाटक मत कीजिए सर, बक्से में चूहे को डाल दिया मुझ में हिम्मत लाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट, प्रैक्टिकली। व्हाट? चलिए ठीक है फिर, मेडिकली। रियली? ये कोई ट्रीटमेंट है? नॉनसेंस। मेरा नॉनसेंस है, आपकी सिक्स सेंस है। तेनाली को हर जगह ढूंढ कर रहूंगा, जरा तो भी देख। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कैसा बायनोकुलर है ये? वाइपर वाला खरीद सकते थे ना। अबे वाइपर कार में लगा होता है, बायनोकुलर में नहीं, समझा क्या? पागल हो गया है क्या तू? ब्रूस ली टर्न। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लो। मेरे लिए है? हाँ, मुझे बचाने के चक्कर में ही तुम्हारे सारे कपड़े चले गए ना। अरे ये सारे कपड़े मेरे हैं। सुनिए जी, दे दीजिए ना, आपके पास कितने सारे कपड़े हैं, उसमें से आधे तो चूहों ने बर्बाद कर दिए हैं। चूहों ने? आजकल यहाँ पर चूहे बहुत ज्यादा हो गए। डॉक्टर, कैलाश अंजलि को लेकर बाहर आ रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं? चेन्नई। ये आप क्या कह रहे हैं, रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके, मदुरई तक मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी गाड़ी से लेकर जाऊंगा, चलो। मदुरई? मदुरई से भी डर लगता है, वहाँ जाऊंगा तब पता चलेगा। भैया कितनी बारिश हो रही है, ये कल चले जाएंगे ना। मुझे बारिश से बहुत डर लगता है, से भी डर लगता है। बारिश में भीगने से सर्दी होगी, सर्दी होगी तो बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगा तो नाक में, और आएगा तो मैं देख लूंगा, तुम अभी यहीं रुको। बात समझ में नहीं आती क्या? मैं कांटे में फंसी मछली की तरह हो गया हूँ और आप हुक से मुझे खींचे जा रहे हैं। सॉरी, तुम यहीं पे रुको, थोड़ा दूर रहो। ठीक है, उस तरफ से पकड़ो। आप करना क्या चाहते हैं? पेड़ काट कर रख देंगे तो कैलाश रोड क्रॉस नहीं कर पाएगा। सुपर आइडिया, चलो काटो। अब जितनी भी बारिश होगी तुम नहीं भीगोगे, समझ गए? अब तक आपने जो मेरी मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम इस तरह उससे क्यों बात कर रहे हो? गला दब गया इसलिए। सॉरी, अब ठीक हो गया, चलो। जल्दी करो, हो रहा है, घबरा गया है, बारिश हो रही है, दो दिन रुककर चला जाएगा। बारिश दो दिन तक नहीं रुकेगी। ठीक है, बारिश कम हो जाए फिर ले जाइए। मुझे पता है, नो अबाउट माई पेशेंट। अब तुम लोग अंदर जाओ, तेनाली बैठो। अरे भाई यहाँ नहीं, गाड़ी में। ये हम लोगों का करने का काम है क्या? अरे बात मत करो, काम करो। ठीक है, कर रहा हूँ, जल्दी करो। मैं अभी यहीं पे हूँ, जानकी को किस करने जा रहा हूँ। चल जा, आराम से बैठो। बाय बाय, जा 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 जा। डॉक्टर गाड़ी रुक गई, आइए काटते हैं। अब इसे काट के अपने सर पे गिराएंगे क्या? वो तो चिल्ला रहे हो, दर्द शुरू हो गया क्या? अब भाभी जी के पास वो सूल रह गया भगवान का, मुसीबत से बचाने वाला, जाके ले आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं मंगा लेता हूँ। रुको, जला जा। क्या हुआ? तेनाली का वो क्या है, वो मुसीबत से बचाने वाला शूल। अच्छा ठीक है, तेनाली को मुसीबत से बचाने वाला शूल लेकर आओ। हाँ, एक मिनट। भाभी जी को बिचारी को यहाँ क्यों बुला रहे? बारिश हो रही है, अगर उनका पैर फिसल गया तो नहीं फिसलेगा। और अगर फिसल गया तो? मेरी बीवी है, मुझे पता है कि उसका पैर नहीं फिसलेगा। तुम यही रुको, वो आती ही होगी। भाभी जी गिर गई, मैंने कहा था ना उनका पैर फिसल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? ये भी गिर गई और ये कहाँ गया?
अरे अरे पेड़ गिर रहा है, अरे हट जाओ से, हट जा हट जा, इधर इधर, अरे 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 मम्मी, तुम कहाँ जा रहे हो? कमाली को नहीं बचाना क्या? कमाली नहीं, थेनाली, तुझे बचाने गए तो हम फंस जाएंगे, समझो? सही है बॉस। थेनाली, चलो उठो। अरे रे, ये क्या हो गया? अरे ये क्या तेनाली, थोड़ी दूर और गिर सकते थे ना। इस समय मेरे नीचे क्या है डॉक्टर? तुम्हारे नीचे मेरा परिवार है। हे भगवान, अरे हंस क्यों रही हो? अरे डॉक्टर जोर लगाइए, लगाइए, निकलो निकलो, हाँ बिल्कुल लगाइए। तेनाली के गड़बड़ के कारण कैलाश को कितनी टेंशन हो रही है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। हे भगवान, इस कष्ट से निजात दिलाओ। अक्षी, मरहम लगाने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत? और आराम से लगाओ। क्या करें जी, पता है तेनाली को मरहम देखकर भी डर लगता है। मरहम का डर नहीं है, दर्द का डर है मुझे। चेन्नई तक बस में जाऊंगा तो ये दर्द और बढ़ेगा, इसका डर है मुझे। फिक्र मत करो तेनाली, तुम्हारा दर्द कम होने तक तुम यहाँ रुक सकते हो। आप कह रही कि मैं रह सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ओके नहीं कहेंगे। भैया ओके कह सकते हैं ना? जलाजा ने कहा ना रह सकते हो, फिर भी मुझसे ओके सुनना चाहती हो? यहाँ पति मैं हूँ या वो समझ में नहीं आता? अरे डैडी पति है, ऐसा मैंने स्कूल में कहा था। कौन है माँ का पति? पति को इससे क्या फर्क पड़ता है? पति को ही हक होता है क्या? पति को कोई हक नहीं होता? किस किस चीज में हक होता है ये बताने के लिए कहो। वो कौन सी चीजें हैं उसकी लिस्ट बना के दो, ऐसा कहो। माँ, डैडी और आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं क्या? डैडी आपसे नाराज है क्या? इस घर में लूटने का हक भी मुझे नहीं है, वो भी तुम्हारे पापा को ही है। अरे अरे अरे, सडनली कम हो गया। अरे भाई क्या कम हो गया? गुस्सा आया तो वो भी मुझ पर ही निकालेंगे। अरे मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, पीठ का दर्द कम हो गया ये कह रहा हूँ। घर के दरवाजे खिड़की सब खोल के रख लीजिए, कोई तो ऊपर से पत्थर फेंक रहा है। ये पत्थर नहीं है, ओले की बारिश हो रही है। तुम्हारी भाषा में कहें तो आइस के पत्थर की बारिश हो रही है। रुको, सब लोग जाओ खाना खा के सो जाओ। ये प्रोफेशनल लीडर है। अरे ये कितना हंसता है, जाओ जाके खाना खा के सो जाओ। खाएं क्या? हाँ बिल्कुल, मम्मी को गाने के लिए गई है ना। ए चुपचाप जाओ। हाँ गई है ना, गई ना भाभी। नहीं जानती, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। ओ समझ गया, पति की परमिशन के बिना पत्नी नहीं गा सकती। डैडी परमिशन दे देंगे ना? अब तक कहाँ दी है? डैडी परमिशन दे दीजिए प्लीज। अच्छी भाभी, भाभी गाइए ना, गाइए ना मम्मी। छे जंप। यस बॉस। इतनी स्पीड में वॉकिंग कर रहे हैं, तबियत के लिए क्या? हमें जो सफर तय करना है वो वॉकिंग से नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर तो थक जाएंगे, घोड़े पे जाएं क्या? नहीं जा सकते, हमें चेन्नई जाना है। चेन्नई जाना है? यस। अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो, इसीलिए तुम्हें चेन्नई भेज रहा हूँ। डॉक्टर मैं एक बात बताता हूँ जी, लेकिन दया करके आप उसे गलत मत समझना। समझूंगा। ठीक है, समझेंगे तो फिर कोई फिक्र नहीं। अब बात यह कि क्या मैं आपके परिवार के साथ ये वेकेशन यहीं पे बिता सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बिता सकते हो, तुम फैमिली मेंबर नहीं, तीसरे आदमी हो। अगर वैसी बात है तो ये डायमंड बाबू चौथा आदमी है, और कहो तो चार आदमी के बराबर है। मुंबई से आया है वो। वो मेरी बहन का होने वाला पति है। डॉक्टर आपके परिवार में डायमंड बाबू किसी को भी पसंद? मुझे पसंद आया ना। लेकिन आपने शादी नहीं करनी, आपकी शादी तो कभी की होगी। अच्छा जोक है। पसंद आया क्या? घर जाके सबको सुना के आते। एक्सक्यूज मी। जी जी जी, उनको बताने से। अरे उन्हें नहीं बताऊंगा। आओ। क्या हुआ सर, इमरजेंसी है क्या? हाँ बिल्कुल। वैसे वैन कहाँ जा रही है? मदुराई रेलवे स्टेशन जा रही है। ओह यू आर वेरी लकी, सो एम आई। वो सब शहर में नहीं जाएगी। हाँ, सर कोई बात नहीं, आप इन्हें मदुराई रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दीजिएगा। दूसरे लोगों ने बुक किया है, उन्हें पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ सर। एक को पिकअप करने के लिए दूसरे को ड्रॉप करने में क्या गलत है? गलत नहीं है सर। थैंक यू। बैठिए सर प्लीज। ये वैन ठीक नहीं, यहाँ पे दरवाजा नहीं, देखिए उस तरफ है। अगर उधर भी नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए कट करके एक दरवाजा बना दूंगा, आ जाओ। भाभी को मेरा नमस्ते बोलना। बाबू को नहीं बोलेंगे तो चलेगा, बच्चों को मेरा चुम्मा देना, और सबसे जरूरी जानकी को मेरा टाटा बोलना। गाड़ी निकालो भाई। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को कॉफी। वेट, ये कैसा है बताओ? इस कार्यक्रम को देखने वाले
सभी दर्शकों को। राजश्री के दर्शक कहिए ना, बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं आपके इंटरव्यू के लिए। बेवजह आ रहे हैं क्या? मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मी। काफी डॉक्टर, वो फॉर्म फिलाया, वो रसगुल्ला का डब्बा मैंने मुझे नहीं पता वो कहां गया। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्ते। इस कार्यक्रम को देखने वाले तेनाली के दर्शकों को अच्छी। तेनाली के बारे में क्या बोल रही हो डॉक्टर? तेनाली कब आएगा? अरे क्यों, रसगुल्ले का डब्बा देने के लिए। बाबू इसके अलावा तुम्हें और क्या पता है? उल्टी करना पता है। वो सब याद मत दिलाओ। नॉटी दर्शकों को मेरा डैडी टीवी वाले आ गए। वो लोग आ गए। चलो वेट वेट वेट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हमारा भी इंटरव्यू लेंगे ना। दिस इज अबाउट सेक्रेटरी, ये एक डॉक्टर का इंटरव्यू है, फैमिली का इंटरव्यू नहीं। तो फिर हाँ? आ सकती हो लेकिन दूर से देखना। कम जस्ट बिहाइंड मी। शुरू कैसे करूं? बायां पैर आगे रखिए। ओके okay. अरे वो नहीं, डायलॉग कैसे बोलूं? प्रिय राजश्री के दर्शकों को। मैडम कैमरा कहाँ सेट करें हम? इंडोर से अच्छा आउटडोर में रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलो वहाँ सेट करते हैं। आइए आइए, नमस्ते, वेलकम। घर ढूंढने में काफी तकलीफ हुई होगी ना? कोई तकलीफ नहीं हुई सर, आपके आदमी ने रास्ता बताया था ना। हमारा आदमी कौन? डॉक्टर। डॉक्टर बाबूली आ गया। अरे बाबूली नहीं तेनाली, यहाँ पे बाबूली ही है। कितनी बार दूर भगाने की कोशिश की फिर भी वो कैसे भी करके आ जाता है, देखिए। मेरे रसगुल्ले के डब्बे को कहाँ रखा? तुम यहाँ पे इनके साथ कैसे आ गए? सर ये वहाँ उतरा ही नहीं। अरे मैंने तुम्हें कहा। अरे रे 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 रे, जैसे कि कुछ भी पता नहीं हो ऐसा नाटक कर रहे हैं। बस में जाने से मैं डरता था तो मुझे हिम्मत दिलाने के लिए इस बस में बैठा के इन्होंने मुझे भेज दिया। मैंने कहा था ना ये भी ट्रीटमेंट है। ये तो ये हमारा ही वैन है सर, सीरियल के लिए रखा है। आते वक्त इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था। अगर हमने सिर्फ आपसे ही सवाल किया तो आप बोर हो जाएंगे और साथ ही हमारे दर्शक भी, इसलिए हम इसे मिलकर करेंगे। अगर ये होंगे तो अच्छा। क्या करें आप? अब खाना बनाने का प्रोग्राम होता तो खाना बनाते बनाते दिखाते, पर आप क्या करेंगे? हेलो, टू शॉट्स, दो चेयर लगा दो। सभी ने टीवी के इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस पहनी है। मेरी ड्रेस भी अच्छी है लेकिन थोड़ी लूज है, ऐसा लोग कहेंगे, इसका डर है मुझे। अगर इनका कोट मिल जाता तो नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रेडी हूँ, आप रेडी है ना? वो किस लिए? अरे और किस लिए, इंटरव्यू के लिए। हाँ तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अच्छा था ना? मानसिक वैद्य के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं? अरे ये सब क्या है? अरे हमने कुछ नहीं बताया। वो काफी समझदार है, सोच समझ कर कह रहा है। क्या मतलब डॉक्टर साहब मूड कैसे आ रहा है? तो बातें करने की कोई जरूरत नहीं, चलकर टीवी का इंटरव्यू देता हूं। रोलिंग। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सर मानसिक वैद्य के बारे में और मनोवैद्य के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे प्लीज। मानसिक वैद्य के बारे में आपके लिए जानना उतना जरूरी नहीं है, पर मनोवैद्य के बारे में बताऊं तो मनोवैद्य कहने वाला वो उल्टी करने वाला अंदर वो जो मन में रहता है और बाहर नहीं दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए सर, अब तक आपके पेशेंट को आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हाँ, वेल, मिस्टर तेनाली रामा, तेनाली सोमन, दूर से भी बोल सकते हो तुम। वैसे आपका नाम तेनाली कैसे पड़ा? वो बात दरअसल ये है कि एक बार मेरी क्लास टीचर ने मुझे तेनाली कहा तो फिर वही नाम पड़ गया। ओरिजिनल तेनाली रामा अगर उल्टा काम भी करता था तो अच्छा ही हो जाता था, पर आप अब इसमें बताने लायक क्या है जी, अगर मैं कोई उल्टा काम करता हूँ तो उल्टा ही होगा। साइलेंस। डॉक्टर तेनाली जैसे पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले उनके अंदर जो भी है वो धीरे से बाहर निकलवाना चाहिए, उसके बाद अब उसके बाद कट करके फेंकने, सॉरी अब अरे बच्चों जैसा शिशिश के उससे बात करने को आप बच्चों की तरह। मुझे समझ में आ गया। डॉक्टर के बारे में अगर खुद डॉक्टर बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मुझे बोलने के लिए भाभी कह रही है ना जी। करेक्ट। साइलेंस। ओके डॉक्टर के बारे में आप ही कुछ बताइए। अगर सच कहें तो ये डॉक्टर ही नहीं है जी, ये तो भगवान है जी, भगवान। मेरे लिए पहला भगवान है डॉक्टर पंचभूत।
डॉक्टर टीवी में आपका ग्रेड बढ़ गया। जानता हूं। उन्होंने ही सबसे पहले मेरा इलाज किया जी, पर उस भगवान को मुझे कौन सा वरदान देना चाहिए ये समझ में नहीं आया जी। फिर से नीचे उतार दिया। उस भगवान का मुझे इस भगवान के पास भेजने का कारण है जी, ये भगवान के दिए हुए वरदान है। सब लोग बहुत नजदीक है, धीरे भी बोल सकते हो। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। भगवान का दिया हुआ वरदान। आपके कारण डॉक्टर कैलाश का ग्रेड बढ़ रहा है। ये भगवान के दिए हुए एक वरदान है और इनके कारण मुझ में मेरा डर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको किन चीजों से डर लगता है? सब कुछ शिव की ही माया है, लेकिन मेरे लिए डर ही सबसे बड़ी माया है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। प्लीज, ये हाफ एन आवर प्रोग्राम है, समझे? अंदर रखो। मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। छोटी उम्र में ही मन को दुख पहुंचाने वाले कुछ हादसों में आई मीन कॉन्स्टेंट फियर, वो क्या है कि साइकोनियोसिस एंड एक्चुअली क्या करना चाहिए कि अगर ये कहेंगे तो बेटर होगा। ऑफ कोर्स मिस्टर थेनाली, आप कहिए ना। देखिए जी, अंदर सबके डर होता ही है, पर वो सब हिम्मत का नकाब पहन के डर को छुपाते हैं। मैं जान के भी हिम्मत से डरता हूँ, और एक बात कहूँ, मैं डरने के लिए कभी नहीं डरा जी। फैंटास्टिक, सुपर्ब। फिलोसोफिकल बात कर रहे हैं, क्या ये भी आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है? वैसे मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार ने जो मुझे दिया है। आप एक मिनट देंगे क्या प्लीज? आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, सबको दिखाओ कैमरे में, आ जाओ। तेनाली उसे कितना सता रहा है, कैलाश के चेहरे पर कितनी टेंशन है। यस, ये डॉक्टर की घर वाली है। नमस्ते। मतलब की पत्नी। और ये है डॉक्टर जी का बेटा। और ये है बेटी। एक मिनट, और ये जो है ना, ये बहन है। अरे आपने तो कहानी पूरी उल्टी कर दी, ये डॉक्टर जी की बहन है बाबू। और ये बहुत अच्छा डांस करते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा चलो गाओ, 1 2 3 4। तू है जान मेरी, मैं हूँ जान तेरी। तू कहे तो तेरे लिए मैं जान लूटा। ये सब क्या है? यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया ना। अब चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। अरे हमें हमारा काम करने दो, चलो 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 चलो, सब अंदर जाओ। आप बैठिए ना सर। अब वो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। तो मिस्टर तेनाली, आप इनकी फैमिली में इतना घुल मिल कैसे गए? कैसे अगर आप पूछेंगे तो इनका मन बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में इन पेशेंट आउट पेशेंट। कोई बात नहीं, आप बोलिए ना। छोटा इंटरव्यू। आप बोलिए, आप बोलिए। कहाँ रुका था? इन पेशेंट के पास। इन पेशेंट आउट पेशेंट दो प्रकार होते हैं। इस घर में अगर मैं कुछ हूँ तो हमेशा इन पेशेंट ही हूँ। मसोई घर में, क्या मतलब? मतलब रसोई घर, किचन। ओके, ओके। इस घर के किचन में जाने की मुझे अनुमति है। कोई भी ये जो डॉक्टर है ना, इनसे तर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ना, ये भगवान के वरदान। कहाँ गए? गिर गए। डॉक्टर उठिए उठिए उठिए, को लगी तो नहीं ना ये? ओह ये क्या है? डॉक्टर साहब दिख रहा है, शूट मत कीजिए, शूट मत कीजिए, शूट मत कीजिए, कि पहले पैड बदल लीजिए, इसके बाद में आप आंखें बंद कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं ये ड्रेस चेंज करके आता हूँ। पैंट फट गई है पीछे, ज्यादा नहीं फटी है, थोड़ी सी बस इतनी सी। हो सकता है मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, मतलब आने के बाद इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग सब रिलैक्स हो जाइए। ओके डॉक्टर। मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, लेकिन उनके ही कपड़े फट गए। अच्छाई का जमाना ही नहीं है आजकल। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए ना। इंटरव्यू में कैलाश ने मुझे गिराया था, अब देखो खुद ही गिर गया। उतना ही नहीं, उसका फट गया, आपका फटा नहीं ना। तो तू फाड़ दे। आपकी शादी हुई है क्या? शादी हुई कि नहीं, मतलब वो एक लंबी कहानी। बोलूं क्या मैं? हाँ, बोलिए ना। गाँव से जब हम आए थे, मैं और मेरी माँ दोनों ही थे, मेरे पिता मर गए थे और मैं अकेला ही लड़का था, इसलिए माँ वंश बढ़ाने का सोच रही थी और इसीलिए वो मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। एक सुशील लड़की को उन्होंने पसंद किया और शादी तय कर दी। मुहूर्त से पहले ही सब लोग आ गए। उससे पहले मैंने कभी शादी नहीं की थी, तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। मैं इस मामले में एकदम ही अनाड़ी था। पहले दिन मैं उस लड़की के पास गया और उससे कुछ देर बातें की। उसके बाद मैंने सहरा बांधा, दूल्हा बना और सीधा मंडप में पहुंच गया, पर लड़की नहीं आई। सब लोग गुस्सा करने लगे और मेरी आंखों से पानी आ रहा था।
अरे रो मत ऐसा सब लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन मैं रो नहीं रहा था, धुआं की वजह से मेरे आंसू निकल रहे थे। उसके बाद लड़की क्यों नहीं आई इसकी वजह पता चली। क्यों नहीं आई? वजह मैं ही था। मैंने कहा था ना कि मैंने उस लड़की से पहले दिन बात की थी, बस वही गलती हो गई। अब बात यह है कि जब मैं पहली बार किसी से बात करता हूँ तो संभावना है कि वो मुझे एड़ा समझ ले। मतलब? अब एड़ा मतलब पागल को एड़ा कहते हैं। तो उस लड़की ने मुझे वैसा ही समझ लिया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने मेरे लिए खत लिख के छोड़ा और चली गई। उसके बाद मुझे वो बड़ी बात जैसा लगा नहीं, लेकिन जब सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे और कुसुर पुसुर कर रहे थे तो मैंने सोचा कि जाकर देखूं सब इकट्ठे क्यों हुए हैं। मैंने झांक कर देखा, वो मेरी माँ जमीन पर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे, इस बार धुएं के कारण नहीं। माँ के लिए आ रहे थे। माँ उठ जा, माँ उठ जाए है से मैं बोल रहा था, लेकिन माँ नहीं उठी। हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं। अनाथ ये शब्द मैंने कई बार सुना था, लेकिन उस दिन समझ में आया कि अनाथ होने का मतलब आखिर होता क्या है, और उसके बाद से मैं अनाथ ही हूँ। उसके बाद डॉक्टर जी के परिवार ने जो प्यार दिया तो ऐसा लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ, अब मुझे फिर से एक परिवार मिल गया है। आज मैं खुश हूँ तो उसका कारण डॉक्टर साहब का परिवार है। I'm sorry. आपसे ये सवाल कैसे है? थोड़ा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया। टेलीविजन पे इस तरह रोना नहीं चाहिए, आपको क्यों दुख दिखाएं? सबके सामने हंसते हुए रहना चाहिए, लेकिन मैं खामखा रो दिया, सॉरी। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ही कुछ बात करें क्या? अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछो आपसे। हाँ, पूछिए ना। आप आते समय बहुत ही अच्छी हिंदी में बात कर रही थी, एकदम साधारण हिंदी में, पर यहाँ आने के बाद, कैमरा लगने के बाद और माइक आपके हाथ में आने के बाद आप बहुत ही अलग तरीके से हिंदी बोलने लगी। ऐ कैमरे का एंगल ठीक से करो, टू शॉट लगाओ, ऐसा कह रही थी ना, ऐसे बोल रही थी ना। मुझे ऐसा लगा कि आपकी इस स्टाइल के कारण हिंदी भाषा थोड़ी बिगड़ रही है, सही कहा ना? ऐसे ही कुछ बात करें क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। चले क्या, देखते हैं ना। तब मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग मुझे टीवी पे देखेंगे। मैं कपिल देव की तरह रोने लगा टेलीविजन पर। सब लोग तुम्हें पहचान रहे, चलो चलो चलो। टीवी में तो यही दिख रहा है, टीवी में ये दिख रहा है यार। तेनाली, अब से तुम अनाथ नहीं हो। मेरे भैया और भाभी मना करेंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जिंदगी भर मतलब मेरे मरने तक? तेनाली, फिर से ऐसी बात मत करना। जानकी, इस तरह मेरा हाथ पकड़ कर एक लवर की तरह बोल रही हो? हाथ पकड़ लिया हो तो ठीक है, अब इसके बाद वो भी कहो जो कहा जाता है, दो नहीं एक ही बात कहना। वो क्या? हे तेनाली, वहाँ घोड़े के ऊपर। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं गुस्सा करूंगा, शादी में तुम मेरे साथ ही घोड़े पे चढ़ेगी ना। अरे बाप रे, भैया है। धीरे, आराम से, आराम से। बाबू, जानकी को लेकर घर जाओ। मैं घोड़े पे चढ़ूं क्या? घोड़े पर नहीं, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सभी को लेकर कार में जाओ। मुझे ही ड्राइव करना होगा ना? अरे इसे फेंक दो और जाओ, वो वेस्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट, इसे वेस्ट नहीं करते हैं और फेंकते हैं, कौओं के लिए, कबूतरों के लिए, ठीक है ना? अब जाओ। ओके, जाओ जाओ। तेनाली,
तेनाली, तेनाली। डॉक्टर, तुम गाड़ी में क्या कर रहे हो? चलो उतरो, उतरो। अरे इस तरफ से नहीं, उस तरफ से उतरो। अरे क्या कर रहे हो? अरे वहां से नहीं। अरे संभाल के। सॉरी। अरे चल उतर। अरे उतर। मेरा पैर। अरे पैर को क्या हुआ? अब पैर। तुम यहीं पे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम लोग जाओ। भैया वो मुझे टेंशन में लग रहा है, घर जाकर बात करें प्लीज। इसे टेंशन, नो टेंशन। ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ बाबू। क्या भाई, मेरी बहन से बहुत क्लोज हो रहे हो? जस्ट फ्रेंडशिप ही है ना? गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। ठीक है, मत करो, कुछ नहीं होगा। प्लीज गाड़ी रोको। अरे तुम्हारे भैया मुझ पे गुस्सा करेंगे। क्या कर रही तुम? जानकी कहाँ जा रही हो? जानकी, जानकी, आंटी, आंटी, जानकी, जानकी। अरे गाड़ी पीछे जा रही है, गाड़ी पीछे जा रही है, प्लीज गाड़ी पीछे जा रही है। रुकिए अंकल, गाड़ी रुकिए। अरे पीछे गिर जाएगी। अरे गाड़ी, जानकी रुको, मेरी बात को सुनो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, जल्दी जल्दी चलो। बाप रे, बच गया। मैडम ये बात डॉक्टर साहब को मत बोलना, नहीं तो वो मेरी शादी जानकी से नहीं। क्यों ना कहूँ, कार भी छोड़ दी और जानकी को भी छोड़ दिया। ये क्वालिटी है मैडम, क्वालिटी वाली कार है, इससे कुछ नहीं होता। कार में ही क्वालिटी होना काफी नहीं है, ड्राइव करने वाले में भी होनी चाहिए। पता नहीं आज क्या हो जाता। ऐसे कैसे छोड़ देता, आपको बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी ना। क्या बचाया तुमने? खाने के अलावा तुम्हें और कुछ आता है क्या? कैसी बात करती है मैडम, आई एम ए डायमंड मर्चेंट। एक रोड भी दे दो ना तो उसे काट कर पॉलिश करके अच्छे रेट पे बेच दूंगा। हाँ हाँ, छोड़ दिया तो हमारे परिवार को ही बेच दोगे। हाँ हाँ, कार निकालना हो ना। ठीक है, अब गाड़ी यहाँ से निकालो। हाँ। और अच्छे से ड्राइव करना। भैया, भैया, तेनाली, तेनाली, भैया, हेलो, लेफ्ट, लेफ्ट, हेलो, इडियट। किसने बुलाया मुझे? अरे मैंने इडियट को बुलाया था, और सॉरी कार को बुलाया था। कूल डाउन, कोडाइकनाल में इतना हॉट क्यों है? यहाँ पे कूल होने के लिए इतनी सारी जगह है, चिड़िया घर, हैंगिंग गार्डन, शॉर्ट लेक। शट अप, आई नीड अ कार इमीडिएटली। बस यही बात है, तिरुपति ट्रांसफर गोविंदा कहेंगे तो जल्दी से आ जाएगी। उस टैक्सी को फॉलो करने के लिए कार चाहिए। टैक्सी? अबे रुको, सॉरी, होल्ड ऑन सर, आपको तलाक की अंगूठी मिली क्या? कैसे पता भाई? क्यों सर, इतना कैजुअली कह रहे हैं? उसकी कीमत क्या होगी सर? 1.5 लाख होगा। हाँ 1.5 लाख होगा। बाप रे 1.5 लाख। सर प्लीज उस टैक्सी को फॉलो करना। फॉलो करो सर, प्लीज लिफ्ट चाहिए तो पीछे बैठ जाओ। वो कैलाश की बहन है, उसे बिठा रहा है तू? हम कैलाश का पीछा कर रहे, उसने बता दिया तो? हम कौन है उसे पता नहीं है, कैलाश को फॉलो कर रहे हैं, ये बात उसे कैसे पता चली? रिस्क ले रहा है, देख ले। फॉलो कीजिए ना प्लीज सर। हाँ चल। 1.5 लाख। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, टैक्सी में जा कौन रहा है? मेरे भैया जा रहे हैं सर, प्लीज थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे प्लीज। डॉक्टर कैलाश को ये भी फॉलो कर रही है, हमारे साथ मिला लें क्या? चुप। अरे ब्रेक क्यों लगाया सर, जल्दी चलिए ना। चलेंगे, चलेंगे। अरे वो चले गए। अच्छा तुम्हारे भैया के साथ जो जा रहा है वो कौन है? उनके साथ जो तेनाली है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है सर। मैंने तो मारा नहीं, ब्रेक क्यों लगाया? डॉक्टर कहानी में टर्निंग पॉइंट। कौन सी कहानी में टर्निंग पॉइंट? कहानी में नहीं, रोड पर टर्निंग पॉइंट। नमस्ते, नमस्ते। ये पुलिस केस है सर, 50 रुपए और दीजिए। चल तू भी फायदा उठा ले। डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पर तो कोड़ाईकनाल पुलिस स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी, गाड़ी, अरे गाड़ी, पता गाड़ी, है मुझे। अरे गाड़ी के बारे में कह सकते थे ना, कहा था आप सुनेंगे तो ना। ओके कम। ये पुलिस स्टेशन में हम लोग क्यों आए हैं? तुम्हें आराम से रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए सोचा था, पर तुमने जो काम किया है उसके लिए यही स्टेशन करेक्ट है। अरे भगवान, मुझे मुझे पुलिस से डर लगता है, टोपी और बंदूक से डर लगता है उनकी। कहा था ना आपसे मैंने, मुझे सिनेमा के फ्लैशबैक की तरह सब याद आ गया और मेरा दिमाग घूम रहा है। देखो मेरा भी दिमाग बुरी तरह से घूमने लगता है जब मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी बहन बहुत बहादुर लड़की है। हाँ, बस थोड़ी सी शर्मीली है, मुझे देख के शर्मा जाती है। आओ चले। आपकी बहन के बारे में मेरा आपको बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इंस्पेक्टर ये ओ, पता है मिस्टर थेनाली, टीवी पर देखा था, वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो व्हाट, कीप इट अप। क्या हुआ?
हाथ पकड़ के कीप इट अप ना कहना। टीवी में जैसे विल यू बी सिंसियर इन योर वर्क। मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट करने आया हूँ। कंप्लेंट? यस। ये आपके पेशेंट है ना? पर साधारण पेशेंट नहीं है, साइकोपैथ। ये डिप्रेशन में है, इसके कारण मेरे परिवार को खतरा है, खून भी हो सकता है। क्या खून? यस। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या करेगा मुझे पता नहीं, इसलिए आपके पास लाया हूँ। अब अगर ये मेरे घर के आसपास भी नजर आया या इसके कारण मेरे परिवार को खतरा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। देखिए मैं कमिश्नर तक जाऊंगा। सर कमिश्नर तक क्यों जा रहे हैं? आपको कंप्लेन लिखवा रही है ना? यस। यहाँ बैठिए। ओके बैठिए सर। क्या हुआ? काटे वाला सब टीवी में जैसा देखा था वैसा ही है। तुम वहीं खड़े रहो। यस ठीक से खड़े रहो। क्या हुआ? घूमो। अरे आप यहाँ देख के लिखिए। बोलिए क्या कंप्लेन है? काटे काटे। तुम बात मत करो। तुम बात मत करो। काटे काटे। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, वो काट दीजिए। आई एम डॉक्टर कैलाश, साइकेट्रिस्ट। पागलों का डॉक्टर। अच्छा वो क्या? तुम बात मत करो। तुझे बात ये भी तो बोले थे ना सर। मैंने इसे बोला था इंस्पेक्टर, वो आपने जहाँ लिखा है उसे काट दीजिए और अब यहाँ पर फिर से लिखिए। सर मुझे लिख के बहुत समय हो गया है, कमिश्नर का नाम लिया इसलिए लिख के बैठा हूँ सर। ओ राइटर। पुलिस स्टेशन से टैक्सी वापस क्यों आ रही है? हम फॉलो कर रहे हैं, ये बात उन्हें पता चल गई है। गाड़ी रिवर्स से क्या? खाली आ रही है यार। ओ तो ब्रेक यहीं पे लगा दूं क्या? अरे यहाँ ब्रेक मत लगाइए सर, प्लीज पुलिस स्टेशन पर लगाइएगा। थेनाली राम लिखो। लिखो, मैं जल्द से जल्द एक्शन चाहता हूँ। छुप जाओ। सर थैंक यू। ओके 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 सर। बाय बेबी। आराम से आराम से फिसल जाओगी। अरे अरे छोड़ो छोड़ो तेनाली, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? भैया इसमें तेनाली की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें घर जाने के लिए कहा था ना, यहाँ क्यों आई? अरे तुम मासूम हो, सोचा था तुम्हारा लव भी है क्या? क्या बोल रहे हैं ये? मतलब हाँ, उसका मतलब है कि वो इंस्पेक्टर, आप तुरंत एक्शन लीजिए। यस सर। ए कांस्टेबल। डॉक्टर मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है, हम जल्दी अपने शहर चले जाते हैं। तो क्या थेनाली पर भरोसा नहीं करना चाहिए? उनके मारने के कारण उसने अगर सच बोल दिया उसके बाद हम दोनों क्लोज हो जाएंगे। उनके हाथों क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इमीडिएट। पहले इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। छोड़िए सर, छोड़िए छोड़िए मुझे। जानकी जानकी, डॉक्टर ये क्या हो रहा है? मुझे जेल में डाल रहे जी। अरे बाप रे, मुझे जेल से बहुत डर लगता है, जेल के दरवाजे से भी बहुत डर लगता है। ये क्या कर रहे हैं? ये तो अन्याय कर रहे हैं आप मेरे साथ। ताला भी लगा दिया, बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर डॉक्टर दिए, ये क्या हो रहा है? मैं सो नहीं पाऊंगा, मेरी माँ की साड़ी भिजवा दीजिए। ये क्या है? मेरा तो सर घूम रहा है। मैं मेरा अगर आप इलाज नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन मुझे पागल तो मत बनाइए डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बात को समझो, बेवजह फंस जाओगे। मुझे मत रोको। राज टीवी को क्यों फोन कर रहे हैं? जिस टीवी प्रोग्राम के द्वारा डॉक्टर कैलाश का आज इतना नाम हुआ है, उसी टीवी से आज मैं डॉक्टर कैलाश को नीचे गिरा दूंगा। यस बॉस। पागल डॉक्टर पंचभूत। डॉक्टर पंचभूत हम पागल है? ना 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 ना, डॉक्टर पंचभूत पागल नहीं है। डॉक्टर पंचभूत के पास अपने बेटे को लेकर गया था, वो पागल है। जरा उससे बात कीजिए, पागलों की तरह बात करो। कैसे बात करूं? जैसे करते हो वैसे ही करो, वही बहुत है। मुस्तफा 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 मुस्तफा, डोंट वरी मुस्तफा। बस बस बस, वो ऐसे ही बात करता है वो। सर आपका बेटा पागल हो गया है क्या? आप पागल हो गए तो हमें क्या? बात क्या है जल्दी बताइए सर। जिस तरह से आप लोगों ने डॉक्टर कैलाश को प्रोजेक्ट किया है टीवी पर, डॉक्टर कैलाश का इंटरव्यू दिखाकर उसकी असलियत जाननी है तो यहाँ आइए, तब आपको पता चलेगा कि लोग उसका कितना मजाक उड़ाते हैं। सुनिए, सुनाई दे रहा है ना आपको? सर डॉक्टर कैलाश के बारे में आपको नहीं पता है क्या? He's really great. क्या ग्रेट है वो? अपने पेशेंट तेनाली का ठीक से इलाज नहीं कर पाया तो उसने उसे पुलिस स्टेशन पर दे दिया और अब पुलिस उसे मार रही है। पुलिस स्टेशन में तेनाली है? मुझसे कुछ मत पूछो, कोड़ीकनाल के पुलिस स्टेशन पर आ जाओ, तेनाली का इंटरव्यू लो। आप जिसे महान बता रहे डॉक्टर कैलाश, वो क्या है आपको पता चल जाएगा। He is not a doctor. उसे कुछ भी नहीं पता, एक शब्द नहीं आता है उसे। ये सब आपके टीवी पर आना चाहिए, तभी आपका नाम बन सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर पंचभूत के पास ही लेकर जाऊंगा। बाय द वे, डॉक्टर पंचभूत से याद आया, आप उनका भी इंटरव्यू अपने टीवी पर डालते तो अच्छा होता। हाँ दिखा सकते हैं। वो मान गए, मुझे भी दिखाने को कहो ना। अरे पहले मेरा होने दे, बाद में तेरा दिखाएंगे। वैसे डॉक्टर पंचभूतम कौन है, उनकी अचीवमेंट्स क्या है? डॉक्टर पंचभूत इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में, राज्य लेवल में, मोहल्ले लेवल में, कोडाइकनाल प्लेटफॉर्म पर थू करके थूक रहे हैं सब लोग। फोन क्यों लिया तूने? मैंने जो किया वो सही है। नहीं, जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे आपने पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। yes, है। मैंने उसका असली ट्रीटमेंट आप शुरू किया है। पुलिस उसे बहुत बुरी तरह मारेगी, उसके पैरों को बांध कर उस पे लाठी से फटाफट फटाफट मारेगी। उसका रिएक्शन कहां पर होगा? कानों में।
ऐसे सुनाई देगा। उसके बाद जो उंगलियों में नाखून होते हैं उसे कटिंग प्लेयर से ऐसे खींच खींच के निकाल के फेंक देंगे, शायद तब उसे अकल आएगी। You seem to be enjoying. Yes, I am enjoying it. इतने दिनों तक जो मैं दे रहा था वो करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि वो मामूली पेशेंट नहीं है। पूरे पागल का मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन वो हाफ लूज है, हाफ लूज। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने ही तो कहा था ना कि पेशेंट को पागल नहीं बुलाना चाहिए। उस दिन मैं बहुत अच्छे मूड में था इसीलिए कहा नहीं, लेकिन आज इस मूड में हूँ इसलिए कह रहा हूँ। Yes, I have changed myself, my policy, everything. बैठो। अरे बैठ जाओ। I'm sorry. We are on a holiday mood. फिर क्यों बेवजह किसी दूसरे के लिए? चलो खाओ। मुझे नहीं चाहिए। अरे खाओ ना। मुझे नहीं चाहिए। अरे तो मत खाओ ना। लेकिन मैं क्यों भूखा रहूं? मैं तुम्हारे लिए क्यों भूखा रहूं? देखो। ये क्या कर रहे हो? हेलो, मैं राज टीवी से बात कर रही हूँ। ओ, टीवी से बोल रही हैं? फिर से इंटरव्यू चाहिए क्या? ओके, आ जाइए, इस बार मैं अच्छे से इंटरव्यू दूंगा, किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। किसकी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं? तेनाली की? आते तेनाली से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ही इज माय पेशेंट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप उसे पुलिस स्टेशन क्यों छोड़ा है सर? ये बात आपको किसने बताई? हमें मैसेज आया था, और अगर ये मैसेज किसी और न्यूज चैनल वाले को मिलता तो वो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते, आपकी इमेज भी जाती और साथ ही हमारी इमेज भी। बेचारे तेनाली को आपने क्यों पुलिस स्टेशन में रखा है सर? पुलिस स्टेशन मैंने उसे भेजा क्योंकि वो ट्रीटमेंट के लिए। इट्स अ ट्रीटमेंट? या इट्स अ प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट। आपको तो पता ही होगा कि तेनाली को हर चीज से डर लगता है, पुलिस से तो बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन में छोड़ा। आई एम सॉरी सर, आपको हमने डिस्टर्ब कर दिया। ओके, इट्स ऑल राइट। अच्छा सर, हमें कोडाईकनाल में एक काम है, सीरियल की शूट के लिए वहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ आने के बाद क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? ओके, मोस्ट वेलकम। वेलकम? वो एनी टाइम सर, कभी भी आ सकते हैं। आएंगे तो तेनाली होगा ना? तेनाली होगा ना, यही पे होगा तेनाली, वो मेरा पेशेंट है। आप जब चाहे तब आ जाइए, मैं उसे लाने के लिए अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। आप जैसा ट्रीटमेंट करने वाला और कोई डॉक्टर नहीं है सर। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस स्टेशन। पहले मैं भाग रहा था जी, मेरे पीछे वो डॉगी और डॉगी के पीछे वो लड़कियां रेस हो रही थी जी। सबको बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कब किसको देना चाहिए, तेनाली को या फिर डॉगी को या फिर उन लड़कियों को जो पीछे थी। बड़ा कंफ्यूजन था। ओ, ये आ गए, देखिए आइए डॉक्टर। आइए बैठिए। बताइए क्या बात है? मैं इसे आप क्या बोलेंगे मुझे पता है सर, आप कोई भी कमिश्नर के पास जाएंगे तो भी ये नहीं हो सकता। तुम बैठो ना, आपने जो कंप्लेंट दी है उसमें ये मानसिक रोगी है ऐसा लिखा है, और मानसिक रोगी को सेल में रखना मुमकिन नहीं है, मारना भी मुमकिन नहीं है। इंस्पेक्टर मैं इसे अरे मद्रास जाने के लिए मान गया है, कुछ समय में वैन आ जाएगी, जब तक हम बात कर रहे हैं बस जो कॉमेडी हंसी। स्टॉप इट। सुनिए, क्या है? उसे भिजवा रहा हूँ ना। कहीं ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ले जाने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं सर, मानसिक रोगी ये बोले थे, हत्या करेगा ऐसा कहा था आपने। हत्या करेगा, कर सकता है, इफ दैट्स ऑल। वो मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोले? क्यों झूठ बोले? पुलिस डिपार्टमेंट में सबने कान में फूल रखा है क्या? क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, ट्रीटमेंट है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट। ओके, उठ जाओ। देखिए, मुझे अपने मन की एक बात आपको बोलनी है। यहाँ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, चलो। डॉक्टर, आप मामूली डॉक्टर नहीं है, आप फरिश्ते हैं, मरीजों के लिए तो आप भगवान हैं। आपके लिए एक मंदिर बना के उस मंदिर पे बर्तन भर के दूध डाल के पत्ती डाल के फिर उसमें शक्कर डाल नहीं, के नहीं, वो तो चाय हो जाएगी। मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ। ऐसे जाने नहीं देना चाहिए जी।
आपने मुझे पुलिस स्टेशन में क्यों छोड़ा ये मैं समझा नहीं था, इसलिए मुझे गलत फहमी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपका हर काम एक ट्रीटमेंट है जी। आपकी पीठ को क्या हुआ डॉक्टर? ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस खुजली हो रही है। खुजा दूं क्या? रहने दो। ठीक है, इस शूल से खुजा लीजिए। आप खुजा लीजिए, आप भगवान है, मैं इंसानों में खुजाऊंगा तो पाप लगेगा, मार डालूंगा। ये भी ट्रीटमेंट है क्या? यस ट्रीटमेंट। तेनाली ये लो, इसमें कुछ कपड़े हैं और इसमें कुछ पैसे हैं, तुम अपने शहर चले जाओ। अरे ये क्या भाभी, आपने भी पार्टी बदल दी? बदला नहीं, मैं हमेशा से ही इसकी पार्टी में थी। हाँ तेनाली, तुम जल्दी से वहाँ चले जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। अरे तुम, मैं भी पूछने वाला था डॉक्टर, आप ही ने पूछ लिया। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या चेन्नई भेजने के लिए इतनी मेहनत करके मैं इसे पुलिस स्टेशन से लेकर आया? वही तो, इतने सालों में हमने पहले आपको ऐसा कभी नहीं देखा। तेनाली पर जितना गुस्सा नहीं करते हैं उससे ज्यादा हमारी जानकी पर छेड़ते हैं आप। रहने दीजिए, अब तेनाली का ट्रीटमेंट मद्रास में ही होगा, तुम जाओ तेनाली। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा, अब तेनाली को कुछ नहीं होगा। तुम्हें पहले से पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ट्रीटमेंट है, तो तुम ये बात इसे बता देती, क्योंकि तुम लोग एक अच्छे दोस्त हो। फिर जो मैं कर रहा हूँ वो ट्रीटमेंट बिगड़ जाता ना, इसके अंदर जो पुलिस का डर है वो निकल पाता क्या? That's why I shouted. मतलब मुझ पर जो गुस्सा किया था वो एक्टिंग, जस्ट एक्टिंग, याद नहीं छोड़ दिया आप इसको भी। मतलब आप तेनाली पर गुस्सा नहीं है? बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, प्रॉमिस भी कर दिया। भाभी आप भी हाथ रखिए, ये बच्चों की तरह हाथ पे। क्यों डैडी गुस्सा कर रहे हैं? वो गुस्सा नहीं कर रहा, ये ट्रीटमेंट है। इतना ट्रीटमेंट दिया काफी है तेनाली, अब तुम फटाफट मद्रास चले जाओ। फिर से शुरू हो गया? फिर क्या डॉक्टर, जानकी के लिए आराम से शांति से ब्रेकफास्ट करना भी मुमकिन नहीं होता, करना मुमकिन नहीं, डिनर करना मुमकिन नहीं। करेक्ट, आपको कैसे पता? इतने दिनों से देख रहा हूँ, अभी पता नहीं चलेगा? अरे अब तक जो भी अंदर रखा उससे ना बोलने वाला इंसान है, पर मैं हूँ ना, मैं स्वार्थी हूँ। अपने परिवार के साथ वैकेशन मनाने आए डॉक्टर को वैसा न करने देकर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बोलकर परेशान कर दिया। डॉक्टर आप अपना वैकेशन एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। रुक जाओ, मेरा टेलीविजन मुझसे जुदा मत करो, मुझे टेंशन मत दो। तेनाली तुम यहाँ रह सकते हो, जब तक हमारा वेकेशन खत्म नहीं होता तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कारण मुझे कोई परेशानी नहीं है। तेनाली हमारे पूरे वेकेशन तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। यस, ये गुस्सा नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं। ये ये यस एक्टिंग, कसम से भगवान, क्या तुम भी? ये लोग क्या कर रहे हैं? कैलाश अपने पैतरे में खुद फंस गया है, तेनाली जाने को बोलेगा तब भी वो उसे जाने नहीं देगा। आप कैसे बोल सकते हैं? टीम वाले आएंगे तो उसकी इमेज खत्म हो जाएगी। कैलाश अरे जंप। यस बॉस। आप पता नहीं कहाँ पे लगता है वाटर में भी फ्लाईओवर बनवाना पड़ेगा। ये कौन है? कौन है ये? ढूंढने के लिए आ गए क्या? शर्म मत कीजिए सर, 1.5 लाख की बात है। पानी में रखूंगा तो भीग कर गीला नहीं होगा क्या? कैसे भीगेगा सर, अंगूठी है ना। अच्छा वही अंगूठी क्या? हाँ? तुम्हें अभी तक नहीं मिली क्या? मिल जाती तो आपको लेके दे देता ना। वहाँ पर ढूंढो, वो अंगूठी तुम्हें मिल गई तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जाओ जाओ चलो। अब मोनाली का क्या? अरे मोनाली नहीं तेनाली। ये मारा, ये बच्चा कुछ भी मारे तो भी सीधा जाता है बाउंड्री के बाहर। इसका नाम बाउंड्री बॉय रखना पड़ेगा। मुझे क्या बुलाओगे? तुम्हारे बनाए रन के हिसाब से तुम्हारा नाम सेंचुरी गर्ल होना चाहिए। अरे क्या करोगे, गिर जाओगी डॉक्टर? अरे बाप रे, ये क्या क्लासिक सिक्स मारा, ग्लास ही तोड़ दिया। सुनिए बॉल दीजिए ना। अरे उस बॉल को आप फ्रूट समझ रहे हैं क्या? बॉल को बॉल ही समझ के मैंने निचोड़ दिया, अब खेल बहुत हो गया, बैठ जाओ। Hey, बैठ जाओ भैया। बॉल बॉल तुम्हें मैं अलग से बोलूं क्या? बैठ जाओ। वो मैं और तेनाली। बैठ जाओ। ये क्या है जी? मैंगो जूस पियोगी क्या? ये लो तुम भी चाटो। डॉक्टर डॉक्टर मुझे मुझे अच्छा तुम्हें चाहिए अंकल कैच। वाओ ये अंकल कैच। वो कौन सी बुक है जानकी? अकेली पढ़ रही हो, इतना पसंद है क्या? Love is beautiful. हाँ? Hey, चलो। जी, सब देख रहे हैं। Hey, आओ ना। छोड़िए ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से आ जाओ। अरे छाता ले जाते हैं ना। अरे ये भी तो छाता है। क्या यार, तुम भी चलो। आराम से।
जिसे दामाद बनाना चाहता हूँ उसके अंदर रोमांस पैदा हो रहा है। अब वो लव फ्रूट ब्यूटीफुल ऐसी बातें कर रहा है, अगर हम लोग वहाँ पर बैठेंगे तो उसका मूड नहीं खराब हो जाएगा। कैसा है? ये क्या, आप तेनाली की तरह क्यों? सही कहा, अब हमेशा उसी के साथ घूम रहा हूँ ना, तो उसी के जैसा होते जा रहा हूँ। चेंज करके देखता हूँ। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मेरे साथ आओ। आपकी जीभ दिख रही है? अब क्या दिख रहा है, अबे वहाँ देखना है। डॉक्टर कैलाश और उनकी बीवी एक बगल में लव कर रहे हैं, दूसरी बगल में कैलाश की बहन वो मूर्ख लव कर रहे हैं। वो लड़की तेनाली से लव करती है ना, वो पुलिस स्टेशन में जाने से पहले अब उसने पार्टी बदल दी। क्यों बाबू, यहाँ का एप्पल कभी खाया है क्या? इस एरिया में एप्पल? अरे बहुत अच्छा होता है, कश्मीर के एप्पल की तरह। बहन ने दिशा बदल दी, बच्चों को कुछ तो काट कर दे रही है और वो बच्चे उस मूर्ख को एप्पल दे रहे हैं। अरे तू करोगे? ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। बड़े एप्पल मुझे चाहिए। सब तुम ही मत खा लेना। जानकी कहाँ है? जानकी एप्पल भिजवा रही है। किससे? पहले बच्चों से भिजवाया, अब तेनाली से भिजवाने के लिए गई है। एप्पल एडम एवा। वो कहानी है बाबू, वो जो जानकी है ना वो तुम्हें तेनाली। अरे तुम राउंड बन रहे हो, पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे, चलो ढूंढते हैं। अरे ये बीच में छाता क्यों है, पकड़ो इसे। छाता क्यों फेंक दिया, बारिश होगी तो क्या होगा? तुम ज्योतिष हो ना, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, अब चलो। जरा रुको। अरे हमेशा खाना खाना खाना, इससे कुछ नहीं होगा, अब चलो तुम। जरा हटिए, बस ठूसते ही रहेगा ये। सुनो बेटा, तुम्हारी चाची कहाँ गई? तेनाली के साथ डुएट गाने गई हैं। अभी अभी तो एक डुएट हुआ, फिर से डुएट? कोई बात नहीं मम्मी, जाने दो। क्यों तेनाली, तुम्हारे गांव में पत्नी अपने पति को क्या कहकर बुलाती है? सुनिए सुनिए बुलाती है। सुनिए। हे भगवान, तुम्हारे भैया ने अगर देख लिया ना तो तुम्हारी जान को खतरा है। सिर्फ मेरी जान ही क्यों? ना मेरी जान के बारे में छोड़ दो, जैसे दिया हवा से हिलता रहता है ऐसे ही डर के टाइम मेरी जान भी हिलती रहती है, लेकिन तुम तो 100 साल जियोगी तुम्हारे साथ। हा? अरे डॉक्टर, अब मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर तेनाली वैसे भी यहीं पे आएगा ना, मैं यहाँ छुप जाता हूँ, फिर उसे काट लूंगा। अरे यार तुम्हें खाने और चबाने के अलावा कुछ नहीं पता डॉक्टर, पर वर्कआउट नहीं हो रहा ना। मिल गया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पकड़ो इसे पकड़ो पकड़ो। जैसा तुमने कहा तेनाली लौट के यहीं पे आएगा तो आंख बंद करके उसे एक मारना, ओके? ची ची ची, एक नहीं दो तीन चार पाँच छह मारना, समझ गए? अब छिप जाओ। अरे छिप जाओ, छिप जाओ, अरे डरो मत, इसे पकड़ो और पीछे छिप जाओ, जैसे ही वो सामने आए आंख बंद करके यूं मारना, ओके? अब जो भी होगा मैं देख लूंगा, मेरे आदमी हर जगह है। वो दोनों जरूर यही कहीं होंगे। सर वो बाइनाकुलर्स थोड़ी देर के लिए देंगे, ये लीजिए। अब वहां पे क्या हो रहा है? ये क्या, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर, अनजान बन रहे हैं। अरे मैं क्या अनजान बन रहा हूँ सर। अरे ये तो एक तरफ से टूटा हुआ है, कैसे टूटा ये? वो आपका सर, सर सर पे लिखा हुआ है वो कहीं रहेगा। डॉक्टर बायनोकुलर आ गया। ये क्या डॉक्टर, मुझ पे गिर रहे हैं आप। अरे शिट, तेनाली तेनाली अब तू गया। हे, पहले तुम मेरे पास किस तरह आया था, डर लगता है ऐसा कहते आया, और अब मेरी बहन को चुम्मा लेने तक की हिम्मत आ गई तेरे अंदर? तुझे अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो नहीं नहीं आ रही क्या आ रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं है, मच्छर है, तुम सो जाओ। जब तक तू बर्बाद नहीं हो जाएगा मैं सोऊंगा नहीं रे। मैं क्यों बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ? छी, हाँ ये सही है। अरे मैं उसके जैसा पागल हूं क्या? अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। ओम ओम। केला
ए, उठ रे, ए, उठ उठ उठ, अरे उठ बोला ना, ए, क्यों रे? सर और पैर में फर्क नहीं समझ में आता है, हाथ में चप्पल क्यों है? वो डॉक्टर की कृपा से मेरे सारे डर निकल गए, लेकिन वो आत्माओं और भूतों का डर थोड़ा सा अभी भी है। कहते हैं चप्पल पास रखने से भूत नहीं आते हैं, तो आप कैसे आ गए? तमाशा कर रहा है, चल जा, जाके मेरे बिस्तर पे सो जा। क्यों? मैं तेरे बिस्तर पे सोऊंगा। अरे आपका बिस्तर बहुत बड़ा है, ये बिस्तर बहुत छोटा है। अगर एक दूंगा ना तो गाल सूझ जाएगा। क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक लग रहा है तुझे? मेरा रूम बड़ा है, मुझे ठंड लग रही है। तू मोटी खाल का है, तुझे ठंड लगेगी नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, रात में जब दिल करेगा खा सकता हूँ। चल अब जाना। चल अब जाना का क्या मतलब है? मुझ पर रोप झाड़ रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या मतलब इसका? अरे वो डॉक्टर ने कहा था कुछ ट्रीटमेंट है मुझे। अरे बापरे, अरे ये बात पहले ही बोल सकते थे ना। समझ में नहीं आया इसलिए मैंने गलत सदर बोल दिया, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्लोरोफॉर्म। कौन है? मैं कौन है? चुपचाप बता दे कौन है। ए, मैं कब से पूछ रहा हूँ कौन है रे, चुपचाप बता दे। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हारी हरकतों से हार जाऊंगा? तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं कोई पागल हूँ क्या जो एक आधे पागल से मैं अपनी सुंदर सी बहन की शादी करवा दूंगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी भाषा में बोलूँ तो मैं कोई पागल नहीं हूँ भाई। चला जा, जा, अब तुझे पता चलेगा। ये ले, अब जा, जा ना, जा। अरे ये क्या है, कोई भी जानवर आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी तरह सब वेकेशन पे चले गए क्या? ए, मैं तुझे ऐसे ही यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा और खतरनाक जानवर आके। अरे वाह, लगता है शेर आ रहा है। वो आएगा और तुझे अपने नाखूनों से। अरे बाप रे, अरे बाबू अब उठ जाओ, मैंने सारी समस्याओं का अंत कर दिया है। अब जानकी के पति सिर्फ तुम ही हो। आने वाले मुहूर्त में शादी। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है? विश्वास करना होगा। कोडाईकनाल में शादी, चेन्नई में हनीमून। छे, चेन्नई में बहुत गर्मी होगी, यहीं पे शादी और यहीं पे हनीमून। मेरी बहुत आशा है, उसने मुझे बहुत तकलीफ दी ना। अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी जानकी से करवाऊंगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज ठीक से खाना नहीं खाया क्या? थैंक यू डॉक्टर। तुम यहाँ पर कैसे? वो एक ट्रिक है,
पैर की जगह पे अगर सर रखेंगे तो बुरी आत्माएं और भूत नहीं आते। अरे मैंने वो नहीं पूछा, आखिर तुम इस रूम में क्या कर रहे हो? आप ही ने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए इस रूम में सो, ऐसा उन्होंने बोला। तो तुम्हारे रूम में कौन सोया था? डायमंड बाबू। नहीं डायमंड बाबू, अरे मैंने ये क्या कर दिया। खुशी में आपको गाना गाने की और मुझे डांस करने की इच्छा होती है, आप पुरुष नहीं है। डर लगने वाले एक पेशेंट को दामाद के रूप में स्वीकारने वाले साले हैं, इसलिए आप पुरुष नहीं है, आप तो महापुरुष है। कसम खा तू। सच्ची कसम से आप साले जी हैं। अरे वो नहीं, मैंने जो अभी शादी की बात की थी वो बाहर तू किसी को नहीं बताएगा, इसके लिए कसम खा। ओ सस्पेंस है क्या? उनके लिए भी कोई ट्रीटमेंट है क्या? ओके सच कसम खाती हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। और कितने दिन इस बात को आप दोनों के बीच सस्पेंस रखेंगे? ये भी आपके ट्रीटमेंट का हिस्सा है और इसे जानकी से डर लगता है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इससे शादी करोगी तो तुम खुश रहोगी क्यों? अरे ये क्या है, आशीर्वाद दीजिए। अरे तुम खुश रहोगे क्या? सुनिए बेचारा बाबू, वो थोड़ा सा पागल है। अरे ये भाग जाएगा इसीलिए कस के बांधा। वही तो मैं कह रही हूँ, पता नहीं वो अब तक क्या क्या सपने देख रहा होगा। अभी उसे यहाँ बुलाकर सब कुछ बता देते हैं। बाबू डरिए मत, ये तो लोमड़ी चीख रही है। ये तो लोमड़ी की आवाज है। ये चीख नहीं है, रो रही है। लोमड़ी ज्यादा खाती है तो ऐसे ही रोती है, मैंने टीवी पर देखा था। बाबू सॉरी, अभी रात बहुत हो गई है, कल बात कर लेंगे। अरे शादी की बात नहीं, डर के मारे मुहूर्त के लिए जा रहा हूँ। क्या? अरे भाई मुहूर्त फिक्स करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय? नहीं तो वो लोमड़ी चीखती ही रहेगी। अरे देखो कैसे क्या बोल रहे हैं आप? अरे शास्त्री जी बहुत बिजी है, सभी को उनसे काम है, अभी जाके देख के आता हूँ। वो हम सुबह देख लेंगे, ठीक है? अरे तब तक वो ऊपर चला जाएगा, वो बहुत बड़े पंडित हैं, मॉर्निंग ट्रेन से जाने वाले हैं, उससे पहले उन्हें काट के लाना होगा। काट के? मतलब पकड़ के। अरे सुनिए तो, घबराओ मत, तुम्हारी शादी को लेकर अभी से परेशान हो रहे हैं। अरे वो तो होना ही चाहिए। हाय तेनाली, कांग्रेट्स। आगे से मुझे सिर्फ तेनाली कह के मत बुलाना, कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे मैं सिर्फ तेनाली सोमन ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी चाची से शादी करने वाला तुम्हारा चाचू हूँ। वैसे भगवान का शुक्र है, मैंने जो सोचा था बिल्कुल वही हो रहा है। हाँ भाभी। हाँ भाभी, ये क्या, अगर हम दोनों भाभी बुलाएंगे तो भाभी का सेंटिमेंट एंटी सेंटिमेंट हो जाएगा। डॉक्टर अगर मेरे साले जी होंगे तो आप मेरी दीदी होंगी। ए दीदी। ए, चलो जाकर सो जाओ, जाओ जाओ ऐसे। हाय रामा, ये सपना नहीं हकीकत है। आई लव यू। अरे बाप रे, बाबू को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बाबू तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, वो जो शेर की बात थी आई 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 आई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबू, वो तुम्हें नहीं खाएगा। आराम से, एक ही कदम आगे रखो बाबू। क्यों रे, तू कैसा इंसान है? क्या हुआ, मैं डॉक्टर कैलाश हूँ बाबू। डॉक्टर कैलाश, ये देख तूने जो किया उसके बाद तुझे कैसी इज्जत दूं मैं, बता। मैं कार में आते वक्त कितनी बार बोला डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सुनी। मुझे वो तेनाली की आवाज लग रही थी बाबू। मुंह बंद करके बोलूंगा तो सबकी वॉइस एक जैसी ही लगेगी ना। सॉरी बाबू, पहले तुम यहाँ से घर चलो, मैं केयर करूंगा, और जानकी भी तुम्हारा रास्ता देख रही है। क्यों मुझे मस्का लगा रहा है क्या? रहने दो, अभी इस जन्म में तुम्हारा घर नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी बहन भी नहीं चाहिए। मैंने सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी थी, इसने लोमड़ी और सियार उसे खा के मर गए, वरना मैं मर जाता। और दो तीन अंगूठी बैलेंस है बाबू, अगर ये भी फेंक देते तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। वो बच गया क्योंकि ये लोग आ गए। अभी घर चलो बाबू, फिर नहा के खा के। पुराना दोस्त है इसलिए छोड़ रहा हूँ, एक शब्द और निकाला तो मार डालूंगा। तुमसे अच्छे तो ये पुलिस वाले ही है। आइए सर, आ जाइए आ जाइए। बाबू चलिए सर, मेरे प्यारे दादा, मैं तो आपको दिन रात याद करता हूँ। मुझे चिल्लाना चाहिए था, तू क्यों चिल्ला रहा है? मेरा हाथ, तूने देखा ना कैसे मेरे सामने हाथ पकड़ के जा रहा था। मेम साहब का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन ये मेरा, ऐसा क्या है? कहाँ गए होंगे? Yes, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो?
वो एक तोहफा दे रहा था। कार में कोई तोहफा देता है क्या? शादी का तोहफा। इज्जत से एक लड़की की तरह किचन में जाके अपनी भाभी की सहायता करो और अपना हाथ तुम मुझे दे दो, दो दो और तुम अंदर ही रहो, अंदर ही रहो। ओके। ये क्या हुआ? बैक पेन। दबाऊं क्या? अगर मेरा हाथ लगेगा तो मर जाएगा। हंस क्यों रहा? हंस क्यों रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? नौकर का यहाँ क्या काम? चलो, तू खुद 21 इंच का नहीं है और तुझे 21 इंच का टीवी चाहिए? चल जा, चल जा, जा, ये ले। अरे मिस हो गया, इधर आ और यहाँ आकर घूम जा। गुड शॉट। अरे तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? मेरे मुंह पे टीवी है क्या? चल उस तरफ देख। तेनाली ये काम तुम मत करो। ये क्या तेनाली, तुमने तो ये सब्जी फटाफट काट दी। वो चाकू का डर चला गया ना जी, जैसे ये चाकू हाथ में आने पर डर चला गया उसी तरह दाढ़ी गई तो हिम्मत आ गई। हाँ तेनाली, अभी देख रही हूँ तुम्हारी दाढ़ी को क्या हुआ। हाँ दाढ़ी को क्या हुआ बताऊँ क्या? क्या हुआ? हाँ इधर आइए ना। तुम भी ना। अरे शर्मा क्यों रही आप? जान की तो बिल्कुल भी नहीं शर्मा थी। कौन है? कौन है? टीवी ऑफ कर दिया ना तो अब क्यों करके मुझे देख रहा है? उस तरफ देखो। हॉलीडेज है ना डैडी? हॉलीडेज है तब भी तुम्हें पढ़ना होगा, मैं जब भी बोलू तब तुम्हें पढ़ना होगा, जाओ जाकर पढ़ो। कैसे डैडी है? Hey! मार अर्जुन, अगर इस तरह मुझे हिलाओगे तो मेरे हाथ से ये गिर जाएगा। अरे बाप रे, ये किसने किया? मैं नहीं। क्यों? उसका एक कारण है, सुनिए। ये क्या किया आपने? फले से नीचे क्यों गिरा दिया? बताता हूँ। छोड़ो। अरे तेनाली, क्या कर दिया तुमने? तेनाली छोड़ दो। जो करना था वो कर दिया ना, अब क्या? वेस्ट हो गए देखिए। ये क्या, कृष्णा की तरह? और थोड़ा बच गया लग रहा है। अरे नहीं, डॉक्टर डांटेंगे। ना कह रही हूँ ना, नो। सिर्फ एक प्लीज, बार प्लीज नहीं, स्टॉप इट, नो नो स्टॉप इट, बस बहुत हुआ। क्या हुआ? किस किंधा बाली हनुमान रावण विभीषण टीवी, आपके सिर पर आटा क्यों है? आटा, यस आटा, हनुमान की तरह पर्वत को उठाता हूँ। नीकर पहनने वाला हनुमान। नाटक, डर गई क्या? और तुम? बाली से लड़ने के लिए मैं बाण चलाऊंगा और वहां पर तुम होगे सुग्रीव। एक एक काम पागलों वाले, मेरे लिए ट्रीटमेंट है ये। महापुरुष साली जी। डर ही चाकू 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 से मार दिया उसने, चाकू से चाकू चला रहे हैं आप? अरे चाकू चाकू लग गया यहाँ पे। कहाँ है चाकू? यहाँ 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 देखो। अरे कुछ भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ यहाँ। चाकू आपको कुछ भी नहीं है, क्या हुआ है आपको? तेनाली, तेनाली ने चाकू से, तेनाली को आपने चाकू मार दिया? नहीं 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 नहीं, तेनाली ने मुझे चाकू से, तेनाली ने आपको चाकू मार दिया और मुझे जेल चला गया। मैं कर रहा हूँ और उसने मुझे, ये नींद में भी क्या आपको ट्रीटमेंट की बातें सूझती हैं? अब सो जाइए। ए चल हाथ हटा। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? मुझे तो डर लगने लगा है आपसे। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगा। कुछ भी करके।
करके इसे मारना ही पड़ेगा। सर उधर नहीं, उधर नहीं, इधर 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 यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर उधर मत जाइए, इधर आइए सर। अरे बोला ना, आइए सर, आइए। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। क्या था ये? वो दीपावली का बम होता है ना, वही है सर, वही वही। ऐसा क्या, इतना धुआं क्यों निकल रहा है? सब लोग मिलके फोड़ रहे ना, इसलिए। क्या फोड़ रहे हैं? टुकड़े टुकड़े। सर थोड़ा इधर आएंगे क्या? सोचता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लाया हूं मैं टाइम बॉम्ब, लाया हूं। साधारण बॉम्ब नहीं है, RDX बॉम्ब, जो बूम से फूटेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तू तो आज गया बच्चे। बाय डैडी। बाय बाय डैडी। बाय साहब। भाग यहां से। सुनिए, आप नहीं आ रहे क्या? कहाँ पे? अरे शादी के लिए बस एक हफ्ता बचा है, शॉपिंग करनी है। मुझे एक जरूरी काम है, तुम लोग जाकर आओ। ये क्या भैया? अरे प्लीज, तुम्हें ड्राइविंग आती है ना, टेक द कार एंड गो। ओके। अबे मतलब हाँ? आप नहीं आएंगे? नहीं आऊंगा। मत आइए, रात को आकर आपको बताती हूँ। अगर उसे लेगा तो फिर कैसे? अरे तेनाली को कहाँ लेकर जा रहे हो? शॉपिंग पे। मैंने पहले ही बताया था ना कि एक जरूरी काम है, तो वो तेनाली के साथ ही है काम। क्या है वो जरूरी काम? मुझे पता है। तुझे कैसे पता? क्योंकि आप मेरे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, सब मेरे लिए ही है, ट्रीटमेंट के लिए। हाँ जी, शादी होने तक फर्स्ट नाइट तक ट्रीटमेंट ही करते रहिए। अरे तुम चिंता मत करो, आज लास्ट ट्रीटमेंट है। प्लीज आज के बाद ये रोक दीजिए, प्लीज। बाय 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 बाय। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बहुत ही जरूरी काम है। हाँ हाँ हाँ। किचन में जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। है ऊपर वाले, इस महापुरुष साले जी के लिए इस ना समझ इंसान की बनाई हुई चाय बहुत अच्छी बिल्कुल होगी। होगी, जब बॉम्ब फूटेगा ना तब समझ में आएगा। दिखाता हूं। ये क्या है, बहुत ही मस्त सेंट की खुशबू आ रही है। तुझे तो भगवान, चाकू। यस। ये भी ट्रीटमेंट है क्या? चाकू से बचने के लिए ट्रीटमेंट है क्या? तो फेंकिए। तुझे मेरी बहन चाहिए ना? मुझ में बहुत ही हिम्मत आ गई डॉक्टर, फाइन ट्रीटमेंट। और फेंकिए, आ जाइए। मेरा 10,000 का बेल्जियम ग्लास तोड़ दिया तू। रो डॉक्टर। अरे ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके सामान भूल जाएंगे, बाहर चलते हैं। माय क्रिस्टल्स, रुक तू, अभी बताता हूँ। आइए मार डाला डॉक्टर। क्या हुआ? फूट गया। वो आदमी झगड़ा कर रहा है क्या? नहीं। ये आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए। आप लोग पहले इसे पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मतलब पकड़ के बांध दूंगा। आप लोग आइए और इसे पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए। चलो रे, आ जा। चलो चलो। स्टॉप। डॉक्टर, ये भी ट्रीटमेंट है क्या? हाँ। ओ Oh!
मुझे दे उधर देख डॉक्टर डॉक्टर अरे मैं यहाँ पे हूँ कहाँ पे अरे सामने देख इतनी जल्दी अंधेरा क्यों हो गया गुड नाइट हे तेनाली आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा तेनाली तेरी कहानी आज ही खत्म हो जाएगी तेनाली आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तेनाली रस्सी खत्म हो गई तुमने मुझे बहुत परेशान किया था ना तेनाली अब तुम्हारी कहानी खत्म आज के बाद मुझे कोई परेशान नहीं करेगा क्योंकि आज यहीं पर इसी वक्त बॉम बूम ओके गुड नाइट ओ सॉरी गुड बाय कहाँ गए तेरे पापा मुझे क्या पता तेनाली कहाँ है किसे पता ओह तो तेनाली नहीं दिख रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम ये है तो जाकर ढूंढ लेना गाड़ी खराब हो गई है ना आपने चिल्लाया इसीलिए खराब हो गई है अपने पापा की तरह क्यों हंस रहा है डॉक्टर 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 आप पुरुष हैं ही नहीं आप तो महापुरुष हैं मेरे अंदर जो पिशाच भूत का डर बचा हुआ है उसे खत्म करने के लिए आपने मुझे यहाँ लाकर बांध दिया क्या बात है डॉक्टर मेरा डर चला गया ये तो बम है डम्मी बम थैंक्स डॉक्टर जीत मेरी ही होगी महापुरुष साले जी है ऊपर वाले अरे आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्या हुआ जी आपको ए जानकी शनि का प्रकोप खत्म हो गया क्या कह रहे भैया तेनाली कहाँ है तेनाली बुआ 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 डैडी व्हाट टू यू हु मी आई एम इन अ जॉली मूड माय डियर चिल्ड्रन कम ऑन एवरीबॉडी एक तीसरे आदमी के कारण इस घर में इतनी सारी समस्याएं खड़ी हो गई है मेरे बच्चे माय फैमिली माय हाउस और मैं जीत गया ये कैसे हंस रहे हैं आप धमाका धमाका वाली हंसी क्या डैडी अचानक से धमाका हुआ
ओनली बिकॉज ऑफ तेनाली। कहते हैं कि शादी स्वर्ग में ही तय हो जाती है, लेकिन तुम्हारी शादी इसी धरती पर होगी और तेनाली की शादी स्वर्ग में होने वाली है। तेनाली कहाँ है? तेनाली कहाँ है? He is not here, he is there. तेनाली, ओए कहाँ पर हो मेरे प्रिय? मैं यहाँ पे हूँ डॉक्टर। ये लीजिए, आ गया। महापुरुष साले जी। तुम यहाँ पर कैसे आए? कैसे आए बताओ? आपके प्लान के अनुसार बच के आ गया। फिर वो बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब बताओ। वो डमी बम था ना? डमी बॉम्ब कहाँ है? मैंने सोचा कि मेरी तरह वो बम दूसरे पेशेंट के काम आएगा, इसलिए मैंने उसे घर में छुपा कर रख दिया। क्या कहा? क्या कहा? घर में? किसके घर में छुपाया? अरे बताओ ना, किसके घर में छुपाया? मेरा घर जल गया, मेरा घर खत्म। हमारे देश में सब गड़बड़ हो रहा है। डॉक्टर जी एक डमी बम खरीदने गए थे और किसी नालायक आदमी ने उन्हें ओरिजिनल बम देकर धोखा दिया है। डॉक्टर जी का घर गया उसका गम नहीं है उन्हें, उन्हें इस बात का सदमा लगा है कि अगर मैं मर गया होता तो तुम्हारे भविष्य का क्या होता। तुम डरो मत, मुसीबत से बचाने वाला शूल साथ में रख लिया और उसी की वजह से डॉक्टर भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस हालत में शादी की क्या जरूरत थी? क्या करें माँ जी, इन्होंने ही फिक्स की थी। इनकी लाडली बहन है ना, हमने इनसे पूछा भी था कि अभी भी शादी की जरूरत है क्या। इन्होंने अपना सिर हिलाकर हामी भर दी है ना जी। देखिए ना, अभी भी हाँ ही कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। थकाली ने कैलाश को बर्बाद कर दिया। थकाली नहीं, तेनाली। अरे कभी तो सही नाम ले तू। कैलाश को बर्बाद कर दिया ना, अब हमारा क्या काम? जा सकते हैं ना। किसी को बर्बाद होते हुए देखना जल्दी कहाँ नसीब में होता है। ग्रेट पोले, कीप इट अप। बाजा बजाओ। मांगल्यम तंतुनाने नाम जीवन हेतुना घंटे बदना। शूट कर दूंगी। ठा 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 ठा। अंकल आप गिरिए। कितने सालों से कहां कहां ढूंढ रहे थे, देखो जरा अभी तक बच्चों की तरह है। डॉक्टर आपको भी भगत, वहां देख कितनी खुशी हो रही है ना। ये सब कौन है भैया, ये क्यों इनके साथ है? मुझे क्या पता, आओ उन्हीं से पूछते। ये लो तेनाली। ओह सॉरी दामाद जी। हाँ ऐसे बुलाइए। जानकी के साथ एक राउंड लगा कर आइए ना। क्यों, ये जगह भी तो बहुत अच्छी है। अरे आपको कुछ भी समझ नहीं आता, मैंने कहा था कि हमें हनीमून पर ले जाने की क्या जरूरत है। सही कह रही हूँ ना, देखा ये भी यहाँ कह रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आता। हनीमून का मतलब क्या होता है? साथ होने के टाइम पे साथ होना चाहिए और बचे हुए समय में मेरे लिए मेरा परिवार बहुत जरूरी है। इस परिवार के कारण ही मुझे एक नई जिंदगी मिली। डॉक्टर बकराली से मिलने एक लड़की आई है। अबे बकराली नहीं, तेनाली। सुमन यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये लोग कौन है? तुमने तो कहा था कि ट्रीटमेंट लेके कुछ दिन घूम के आ जाओगे, लेकिन इतने दिनों तक पता नहीं चला, आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है जरा बताओ तो। पास जाके सुनते हैं, आजा बॉस। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारी वाइफ है, तुम इसे भूल गए हो क्या? अरे ये तुम्हारी वाइफ है, भूल गए हो क्या? तुमने जिसे मंगलसूत्र बांधा था ये वही है। मंगलसूत्र बांध के तुम यहाँ चले आए गए थे और अभी भूलने का नाटक कर रहे हो। अरे इसका नौवां महीना चल रहा है, बच्चा पैदा होने के पहले ये तुम्हें देखना चाहती थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुनिए, तुम्हारे गांव में पत्नी पति को क्या कहकर बुलाती है? सुनिए सुनिए कह के बुलाती है। सुनिए सुनिए सुनिए
जा रही है और आप ऐसे चुपचाप खड़े हैं। जानकी हाँ? तुम्हें नहीं कहा जानकी तुमने तुमने मेरी तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़िए ना। छोड़ो। क्या कर रहे हैं आप? तू जानता है ना वो मेरी इकलौती प्यारी बहन है। अरे भैया रोकिए ना उन्हें। वो क्यों मार रहे हैं इन्हें? डॉक्टर मुझे हाथ से मार रहे हो क्या? हाँ मैं तुझे जान से मार दूंगा। आप गुस्से से बात कर रहे हैं ना? गुस्सा नहीं करूं तो क्या मैं खुश होकर बात करूं? आप अच्छे से बात कर रहे हो। मैं तेरी जान ले लूंगा। डॉक्टर आपके हाथ पैर ठीक हो गए? भगवान तेरा धन्यवाद। अरे ये कैसे हुआ? सब आपके सिखाए हुए रास्ते से ही। छोटा सा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट? ए क्या कहा, क्या कहा तुमने? आपने मुझे कितने सारे ट्रीटमेंट दिए ना डॉक्टर। आपका एहसान चुकाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैंने आपको दिया। ये सब बस एक नाटक था डॉक्टर। शादी से पहले बताया था ना कि मेरे गांव में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो यही है मेरा दोस्त अब्दुल हमीद। इन्होंने मेरी मदद करने के लिए नाटक के कुछ एक्टर्स को जमा किया और ये नाटक रचा। तो ये कौन है? कौन? वही ना जिसने तुम्हें टाइट चुम्मा दिया था। अरे ये तो सिनेमा की बहुत बड़ी एक्टर है। मैंने पहले ही कहा था ना। कहा था पर मैं ही कंफ्यूज हो गया था। अब लेकिन अब ये क्यों रो रही है? अब इन्हें कुछ भी समझा लो लेकिन ये रोना बंद नहीं करी। अब वो कहाँ है? कार में है। कौन ड्राइवर? क्या डायरेक्टर? गुरुजी। यस इन्हें रोना बंद करने को गई है। कट। ओके आपके साथ रहने से तो बेहतर है। फर्स्ट क्लास एक्टिंग सर। इन्होंने की? उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नेचुरल किया सर। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कट करना भूल गया। नमस्कार, मुझसे एक्ट करवाने वाले डायरेक्टर रवि कुमार। मुझे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो मेरा काम है सर। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब तुम डॉक्टर हो? आई एम योर पेशेंट। नहीं नहीं नहीं, पेशेंट तो मैं हूँ और डॉक्टर आप ही हैं। पता है मुझे मुसीबत से बचाने वाला ये भगवान है। भगवान नहीं। आ, भूत। ब्लैक ड्रेस पहना तो भूत कहोगे क्या? आपको नहीं। आइए 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 आइए। अरे वो सबके सब कहाँ चले गए यार? शायद डॉक्टर को लोकेशन दिखाने के लिए गए हैं। पंचभूत। अरे कैलाश और तेनाली पीछे। तेनाली कैलाश क्या कंफ्यूज कर रहे हो?